वाओ व्हाट अ ब्यूटी। मेरी गाड़ी रेड लाइट पर भी नहीं रुकती, पर तुझ जैसी लड़की को देखकर पता नहीं क्यों रुक जाती है। यही इसकी वीकनेस है। मेरी भी एक वीकनेस है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो उसे चूम लेने का मन करता है। अगर मान गई तो एक, नहीं तो 10 लूंगा, क्या बोलती है? अच्छा जवाब था ये, अब तो तेरे लिए 10 किस भी कम पड़ेगी। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, अब किस देने के लिए तैयार हो जा। अरे बाप रे बाप, मोटी देख के गिरना चाहिए ना, मैं तो मर ही जाता। देख मेरे भाई, अगर एक लड़की को उसकी मर्जी के बिना छुएगा तो वो नाराज हो जाएगी, लेकिन अगर उसके दिल को छुएगा तो तुझे कभी नहीं भूल पाएगी। पीस देना बंद कर, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। सेम प्रॉब्लम, तू भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तुम लोग इस हीरो से निपटो, मैं इसे देखता हूँ। अरे कल के दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, देख क्या रहो, मारो इन्हें। हाय, एक्सक्यूज मी, हेलमेट अब ये लीजिए। थैंक्स। हाय। बाय। उसे इस तरह से मत देख, नहीं तो तुझे प्यार हो जाएगा। ये चेक। मैं जीत गया। अरे देख, अब मैं जीत गया। मैं पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि अपने टैलेंट से जीता हूँ। ये टैलेंट बेटे की शादी करवाने में यूज क्यों नहीं करता? क्या कहा तुम्हें? गोवा की लड़की 3,000 में चाहिए, मैं शादियाँ कराता हूँ। मुझे दलाल समझाया क्या? फोन रख बे। क्या हुआ, समय ठीक नहीं चल रहा क्या? मेरा समय सही नहीं है, पर जज साहब का तो है ना, मैं बैठ सकता हूँ? बैठो। दल्ला बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया, लगता धंधा चेंज करना पड़ेगा। जज साहब आप ये फोटो देखिए। डिटेल बता। नाम पद्मिनी, इंडिया में पैदा हुई, अमेरिका में पली बड़ी, ऑस्ट्रेलिया में अरंगनाट्यम किया, न्यूयॉर्क में कुचिपुड़ी, टोक्यो में कथकली, ब्राजील में भरतनाट्यम, और अगले महीने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड में उसके डांस प्रोग्राम है। बस मतलब पूरा समय स्टेज पर ही बताती है, शादी के लिए समय है क्या? तो बता रहा था, वो अपने पति के साथ रहने के लिए समय निकालने की कोशिश करेगी। कंडीशंस अप्लाई। दया, हमें हमारे घर के लिए डांस मास्टर नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी सी बहू चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास कुछ हो या कुछ भी नहीं हो तो भी चलेगी। एक मिनट, ये फोटो देखिए। अरे ये कौन है? अभी आपने कहा उसके पास कुछ ना हो तो भी चलेगी। अरे मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं था कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी ना हो। चलो फोटो अंदर रखो। फिगर तो देखिए। फोटो अंदर रखो। ठीक है ठीक है, इस फोटो पर नजर डालिए। मिडिल क्लास फैमिली की है, भाई IAS ऑफिसर, कलेक्टर की बहन है। हाँ, 3 कारें हैं, बंजारा हिल्स में बहुत बड़ा बंगला, शमशाद बाग में अंगूरों का बाग है, और जुबली हिल्स में। कब से कलेक्टर है? 10 साल से सर। सैलरी कितनी होगी? कम से कम 25,000 होगी। एक साल की इनकम? 3,00,000। 10 साल में कितना? 30,00,000। इनकम टैक्स? 3,00,000। बचा कितना? 27,00,000 रुपए। 10 साल में उसके खर्चे? 10,00,000 और पकड़ लो। बचा 10,00,000। 3 कारें, 1 बंगले की कीमत होगी 3 करोड़, और गार्डन की 25,00,000, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बताओ सब कैसे? वो कलेक्टर नहीं है, करप्टेड है। ये पद्म भूषण जज ऐसी फैमिली के साथ रिश्ता नहीं करेगा। अरे सर, उसके पास पैसे हो या ना हो, उससे आपको क्या लेना देना। ये क्या है? कोरा कागज। ये क्या है?
काला दाग, एक काला धब्बा एक सफेद कागज पर क्लियर दिखाई दे रहा है। इसी तरह लोग उनसे रिश्ता जोड़ने के बाद हमें भी गलत समझेंगे। ओ। मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए जिस पे मुझे गर्व हो, उसकी वजह से हमारा नाम खराब नहीं हो। समझ गया ना? समझ गया सर, अच्छे से समझ गया। अब मैं ऐसा परिवार ढूंढूंगा जिसमें कोई दाग ना हो। चलता हूँ। दया सर, ये लो तुम्हारा सर्विस चार्ज। ये क्या, चेक? मैं अपना सारा ट्रांजेक्शन चेक से ही करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाकोडा ब्रांच, 300 रुपए का चेक दिया है और ऑटो भाड़ा लगेगा 400 रुपया। मोड़ के रख लेता हूँ, गरीबी में काम आएगा। हाय डैड। हाय अंकल। हेलो। ए आ, तेरे बारे में बात करनी है। मेरे बारे में? तेरे रिश्ते की बात करनी है। मेरे रिश्ते के बारे में? हाँ माँ, आ रहा हूँ। ए, ओमची, ओमची। बुलाया किसने? ग्रेट एस्केप। क्यों बेटा, जो बोला था ले आया ना? लिटिल सोप, टूथपेस्ट। ये क्या है रे, तुम्हें क्लोजअप कहा था, कोलगेट क्यों ले आया? क्या माँ, आजकल टीवी नहीं देखती क्या? आसिन ने कहा है इसको करने से आपके दांत चमकेंगे, इसलिए ये आपका ऑयल। तुम नवरत्न ऑयल क्यों ले आए? याद नहीं बच्चन सर ने क्या बोला था, इसको यूज करने से दिमाग कूल कूल रहता है। और ये लीजिए डैडी के लिए ड्राई फ्रूट। आप हंस क्यों रही हो? आपने तो मुझे लाने को कहा था ना। माँ तुम इतना हंस क्यों रही हो, भैया ने कोई जोक मारा क्या? वंशी अगर तू इसकी जोड़ी लाता तो काम आता ना, एक से मैं क्या करूँगी। किसका है ये? हाँ ये उस लड़की का होगा माँ। किस लड़की का? अरे मैंने उसे उठाया था। तो अगर आपने उसे उठाया तो आगे की जगह पीछे कैसे पहुँचा भैया? अच्छा तू अपना मुंह बंद रखेगी। हाँ? माँ एक लड़की को लड़के रस्ते में छेड़ रहे थे तो बस मैंने उसे बचाया। माँ इसे झुमके की तरह लटका लो। तो चुप कर, इसको तो पता नहीं कब अकल आएगी। मैं सच कह रहा हूँ माँ, यकीन करो मेरा। अब बस भी कर, तेरे डैडी को इसके बारे में पता चलेगा ना तो वो हम सबको पागल कर देंगे। ये ले, अगर वो लड़की दोबारा मिले तो उसे वापस कर देना। कर देना। क्या हुआ नंदिनी को? छोड़ो ना जान। जान? ए? तो बीमारी इतनी आगे बढ़ गई? अभी अभी सॉन्ग खत्म किया था और तुम लोग आगे डिस्टर्ब करने। अच्छा हेलमेट वाले ने जादू कर दिया तो हम लोग डिस्टर्ब करने लगे। अच्छा ये बताओ वो है कौन? नहीं मालूम। नहीं मालूम? जब जानती नहीं तो उससे प्यार कैसे कर सकती हो? जैसे उसे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, पर फिर भी बचाया ना उसने मुझे। अगर मैं उसका प्यार बनी तो मुझे कितना प्यार करेगा, है ना? जरा सोचो तो। दूर की बात करने लगी। तेरी इयररिंग कहाँ है? अरे एक इयररिंग के लिए इतना टेंशन क्यों ले रही है? वो सिर्फ इयररिंग नहीं थी, वो मेरी माँ की निशानी थी। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मेरे सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो बड़ी मॉडर्न बनती है ना, इतने सेंसिटिव है। सेंसिटिव मत कहो, सेंटिमेंट कहो। जब लड़ाई हो रही थी शायद वो वहीं गिर गई हो। मुझे लगता है यहाँ ढूंढने से कोई फायदा नहीं, किसी लकी फेलो को मिल गई होगी। चला तरबूज खाते हैं। मुझे पता है तुम इयररिंग ढूंढ रहे हो ना। ए तो चिंटा चिंटा। ए चिंटा चिंटा नहीं, चिंटा टा चिटा चिटा चिंटा टाटा। क्या कहा, तू अंधा था ना? मुझे 100 रुपए दो सब कुछ बताऊंगा। बताओ। मैं असल में अंधा नहीं हूँ। इसके लिए 100 रुपए लिए? क्यों इससे ज्यादा जानना है? अच्छा ठीक है, मॉर्निंग 9 to 11, इवनिंग 4 to 6 चिल्लर वालों के लिए अंधा हूँ। इससे अच्छा बिजनेस इंडिया में दूसरा नहीं है। और खाली समय में रियल एस्टेट का भी काम कर लेता हूँ। दुनिया में रियल एस्टेट से अच्छा कोई बिजनेस है ही नहीं। मेरे पास 25 एकड़ जमीन है, तुम्हें चाहिए क्या? अरे मेरे इयररिंग के बारे में बताओ। मैं बता सकता हूँ। तुमने चुराई है क्या? 100 रुपए और दोगी तो बताऊंगा। ये पकड़ो अब दे। मेरे पास होती तो मैं कब का दे दिया होता। कल जब तुम्हारा हीरो गुंडों के साथ लड़ाई कर रहा था, तुम्हें इधर उठा रहा था इधर झुला रहा था, उसी वक्त तुम्हारी इयररिंग हीरो के शर्ट के पीछे फंस गई, मैंने देखा। ये बात तो तू वहाँ भी बता सकता था। वहाँ बहुत सारे लोग थे, कैसे बता देता? मैं अंधा नहीं हूँ, ये पता चल जाता तो मार मार के मेरे को लंगड़ा बना देते और तब असलियत में मेरे को भीख मांगनी पड़ती, रियल स्टेट भी बंद करना पड़ता। पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? मैंने उस दिन मोबाइल से फोटो निकाली थी, शायद वो हमारे कुछ काम आ जाए। हमें यहाँ पे क्या फोटो एग्जीबिशन दिखाने के लिए बुलाया है? तुम लैनको कंपनी में काम करती हो ना? हाँ करती हूँ। अगर ये तुम्हें कहीं नजर आए ना तो मुझे फोन कर देना। ठीक है। पर इससे हमारा क्या फायदा?
जो भी उसे ढूंढेगा मैं उसे एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। ओके। इस लड़के को कहीं देखा है आपने? क्या हुआ मैडम, इसने आपका पर्स चुराया क्या? नहीं, दिल चुराया है। मैं तेरा बोझ नहीं उठा सकता मोटी, मेरे ऊपर से उतर जा। अरे इधर क्या देख रही है, उतर जा। इतना खाएगी तो तू भी फट जाएगी। अरे ये वो देख। हेलो, तेरा हेलमेट वाला नहीं मिल गया? कहाँ? बेगमपेट में कॉफी डे के पास, उस पे नजर रखे रहना, मैं अभी आती हूँ। लेट्स गो। चल 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 चल। कहाँ गया? ओह शिट, कहाँ चला गया वो? कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ चला गया। तुमने मुझसे झूठ बोला और इतनी दूर से मुझे बुला लिया। इसके कैसे बच बोल रही है? पूरा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ? 6 बजे तक हमें रम्या के पार्टी में पहुंचना था, ऑलरेडी 5 बज गए। अरे रे रे, हम घर कब जाएंगे, कब फ्रेश होंगे और कब पार्टी में जाएंगे? और आइसक्रीम तो भूल ही गई। करेक्ट। अरे वहाँ देख, वहाँ ब्यूटी पार्लर है, हम वहाँ तैयार हो सकते हैं। और मेरा हीरो? अरे हीरो को मार दूंगी, बाद में ढूंढ लेंगे, तू चल अभी। वेलकम मैडम। फेशियल? आपको अपॉइंटमेंट लेना है मैडम? नहीं, अभी करवाना है। प्लीज वेट। Hey, don't move. Design खराब हो जाएगा। तुम बहुत ही स्मूथली टैटू बनाते हो। Okay, it's done. ये क्या? इतनी जल्दी हो गया? Okay, bye. Bye. Hey, चलना। उस डिजाइनर की बहुत डिमांड है, तुम लोग जाओ। क्यों तू सता है, मन को तरसा है, दिल धड़के मेरा तेरा तन मुझे ललचाए। हेलो, एक्सक्यूज मी, स्टॉप द केमिस्ट्री। ए, लगता है वो लड़की पट गई। उसके लायक नहीं है, चल कलर मिक्स कर। ओह गॉड। मैडम आप क्या पसंद करेंगी? बिरयानी मिलेगी क्या? फेशियल कर बे। मैडम स्पेशल फेशियल के साथ शेविंग क्रीम फ्री है मैडम। ज्यादा स्मार्ट मत बन, कच्चा चबा जाऊंगी, समझ गया? चल जल्दी कर। मोटा का। यस मैडम। हेयर स्टाइल? हेयर स्टाइल मेरे बॉस करते हैं मैडम। वो क्यों? किस चेहरे पे कौन से स्टाइल जैसे कि ये मेरे बॉस तय करते हैं, वो लंदन से ट्रेंड है, मैं उनको भेजता हूँ। या कहिए। हेलो। मैं सुबह से तुम्हें और सिर्फ तुम्हें दीवानों की तरह ढूंढ रही हूँ, तुम्हें पता है? किस लिए? मेरी इयररिंग के लिए। तुम्हारी इयररिंग मेरे पास ही है, इनफैक्ट इसे लौटाने के लिए मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। नो नो, अब बिल्कुल सही जगह पर है। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने माँ की निशानी खो दी, लेकिन माँ भी यही चाहती है। व्हाट? अरे कोई इसे समझाओ। शी लव्स यू। अरे यार बम नहीं फटा, टायर है। यार टायर भी फटता है तो बम की तरह फटता है। चल उतर, टायर बदलना है। मुझे बदलना नहीं आता यार, इसको भी यही फटना था क्या? ये टायर भी तेरे बाप की उम्र का है, इससे भी पुराने मेरे अंकल है, मेरे ऊपर कभी भी फट सकते हैं। इज्जत से मुझे वापस चले जाना चाहिए। इस टायर के साथ अगर ये जीप भी फट जाती ना तो भी हम वहाँ जाते। सिर्फ एक इयररिंग के लिए तू इतनी दूर आया है? नहीं यार, लव स्टोरी तो आगे है। वो क्या है? ए उधर देख। क्या भैया, फिर से रेड सिग्नल? ए? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये स्टेपनी कौन है? मैं स्टेपनी नहीं हूँ, मैं इनकी बहन हूँ, भाभी। भाभी? हाँ। तो तुम इसके साथ हो क्या? आपको कहा था, फिर भी आपने मुझे इनसे नहीं मिलवाया, आखिर आज मैंने इन्हें देख ही लिया। आप कितने बुद्धू हैं भैया, इतनी खूबसूरत लड़की आपसे प्यार करती है और आप इसे ना बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? भाभी आप इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना, इनके प्लस माइनस क्या है मैं सब आपको बताऊंगी, अपना ईमेल आईडी दे दो। ओके, nandanivamsi2012@yahoo.com। वाओ, आपने अपना ईमेल आईडी भी भैया के नाम पे रख लिया ना? मैंने हर चीज में वंशी जोड़ दिया। चलो ना भाभी, बैठ के बात करते हैं। फिर कभी चलूंगी, आज मेरा लास्ट एग्जाम है, बहुत लेट हो गया है। कल मिल सकते हैं? ओके, ऑल द बेस्ट भाभी। थैंक यू, बाय वंशी। बाय भाभी, बाय बाय बाय। अब बैठेगी? हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए, अब हम आजाद हैं। लगता है भैया आए हैं। भैया? भैया? भैया नहीं आए बेटा, ये उनका दास भद्रा आया है। अच्छा, भैया क्यों नहीं आए? ये फसल कटने का समय है तो भाई का वहाँ रहना बहुत जरूरी है, और कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं ना, उस पे भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए मुझे भेज दिया। ये फोटो किसका? जॉन अब्राहम, बॉलीवुड का बहुत बड़ा। जॉन अब्राहम हीरो होगा तो सिर्फ अपने घर का। हमारे लिए सिर्फ एक ही हीरो है और वो है भाई।
तुम्हें ऐसे पोस्टर कमरे में नहीं लगाने चाहिए। भाई को ये सब पसंद नहीं, और भाई को जो पसंद है ना वही करो तुम। ये फल अपने दोस्तों में बांट दो और चलो मेरे साथ। चाचा जी, अभी एक अग्नि परीक्षा बाकी है, उसके बाद ही चलेंगे हम लोग। अग्नि परीक्षा? ये क्या होता बेटा? जैसे आपका इलेक्शन होता है वैसे यहाँ सिलेक्शन पेपर होता है। यहाँ का माहौल अभी बहुत गर्म है। तो ठीक है, बली को बुला लेते हैं। बली को? क्यों? जो तुम्हारे खिलाफ होगा वो गया। चाचा जी, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, आप जाइए, मैं भैया से फोन पे बात कर लूंगी। ठीक है। अबे जिंदगी में तो कुछ कर नहीं पाया, इस सीढ़ी के सारे टॉप पे तो पहुंच जा, एंजॉय कर मोटे। नीचे से बात करना अच्छा नहीं, ऊपर पता चलेगा। किसी काम का नहीं है। ए, क्या हुआ? रात को तुमने कहा था ना बल्ब चेंज कर देना, ये सीढ़ी पे चढ़ रहा है, इसकी फट गई, लीक कर रहा है साला। ए, मोटे, चल नीचे उतर। जान बची, ये लो तुम जाओ। अब देख कैसे टॉप पे पहुंचते हैं। हाँ देख रहा हूँ। ए, कौन कर रहा है? हाय। ओह माय गॉड, तू यहाँ? मैं गॉड नहीं हूँ, मैं नंदिनी हूँ। तू यहाँ क्यों आई? एक ट्यूबलाइट दूसरे ट्यूबलाइट को कैसे फिक्स कर रही है ये देखने आई हूँ। ए, तू ना मुझसे प्यार करती हूँ ना? तुझे यहाँ सबके सामने शर्म नहीं आ रही है? प्यार किया है तो सबके सामने क्या शर्म आना? हमारी शादी परम्परा के हिसाब से होगी, पर सुहागरात तो पर्सनली होगी। ए, पागल, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, चल नीचे उतर। देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते ना। हो क्या रहा है यहाँ पे? तुझे दिखाई नहीं देता, सुसाइड। सुसाइड? मुझे इस हफ्ते की ब्रेकिंग न्यूज मिल गई, मजा आ गया। हेलो टीवी 19, हाँ ध्यान से सुनिए, मैं रिपोर्टर बद्री बात कर रहा हूँ। यहाँ बेगमपुरा में एक कपल सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अभी की ब्रेकिंग न्यूज, बेगमपुरा में एक यंग कपल सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं अपने संवाददाता से। बाप जी, वहाँ की सिचुएशन क्या है? यहाँ की सिचुएशन कुछ समझ में नहीं आ रही है। संध्या, तुम्हें नहीं पता तो तुम भी वहाँ सुसाइड कर लो। ये तुम कैसी बात कर रही हो संध्या? अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो हम दर्शकों को क्या दिखाएंगे? जल्दी जानकारी भेजो। थैंक यू संध्या। प्यार किसी को किडनैप करके या धमकी देके नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है यार। ए, स्टेप बाय स्टेप ही तो यहाँ तक पहुँची हूँ। बताओ तुम उसे प्यार करते हो कि नहीं? मेरे फादर एक टिपिकल कैरेक्टर है। क्या मतलब? वो ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं करेंगे, चुपचाप साइड हो जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो चुपचाप साइड हो जाऊंगी और सुसाइड कर लो। ऐसा मत करो। ओके, तुम अपने घर का एड्रेस दो, फिर मैं तुम्हारे डैडी को मैनेज कर लूंगी। तुम मैनेज करोगी? ओके, एड्रेस लो। नाइस बॉय। नमस्ते आंटी। सॉरी, हमारे पास साबुन डिटर्जेंट सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। तो किस टाइप की हो? ये वंशी का घर है ना? हाँ, और मैं वंशी की मम्मी हूँ। वंशी की माँ इतनी यंग कैसे हो सकती है? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सासू माँ। अरे बताओ तो तुम हो कौन? आशीर्वाद दे दीजिए ना सासू माँ। हाँ दिया दिया। ये मिठाई भी खा लीजिए। मिठाई नहीं खा सकती, मुझे शुगर है। मैं जो बताने वाली हूँ वो सुनकर आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। अच्छा बताओ क्या बोलना चाहती हो? मैं आपके बेटे वंशी से प्यार करती हूँ। वंशी से प्यार करते हो? सुनिए जी। क्या हुआ? मुझे आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। देखो मैडम, मेरे पैर पड़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं एयरपोर्ट के पास वाली जगह नहीं खरीदूंगा, इसे प्लेन की आवाज़ सहन नहीं होती। सॉरी अंकल। अंकल, मैं रियल एस्टेट की मार्केटिंग की लड़की नहीं हूँ। तुम रियल एस्टेट वाली नहीं हो? कौन है ये? आशीर्वाद दो, नहीं तो पीछा नहीं छोड़ेगी। हा? उसके बाद भी परेशान किया तो? परेशान नहीं करेगी, आशीर्वाद दो। अरे तुम बोल रही तो दे देता हूँ, गॉड ब्लेस यू। ये किस लिए? ये कहती है कि वंशी से प्यार करती है। वंशी से? हेलो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो आप अपने बेटे से ही पूछ लीजिए। हाँ। ए वंशी। ये मेरा बेटा। मैं सलमान खान नहीं, ऋतिक रोशन हूँ। व्हाई आर यू कॉलिंग मी? तुम इन मैडम को जानते हो? प्लीज टर्न लेफ्ट एंड अगेन राइट। आई डोंट नो। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? यू मीन वैशाली? तुम वैशाली हो?
अगर समर हॉलीडेज में आती है तो मिलके आइसक्रीम खाते है, बहुत मजा आता। अभी स्कूल और ट्यूशन से टाइम ही नहीं मिलता। सॉरी। तुम कितने क्यूट हो। और तुम भी। हाँ, उस वंशी से तो तुम बेटर हो। लव सेंस भी है और क्यूट स्माइल भी। मेरा ईमेल आईडी भी है krish@yahoo.com। बाय। मेरे टच में रहना। अच्छा तो उसे गलत पते पे भेज दिया। अब लगता है उस पागल से पीछा छूट जाएगा। चांस ही नहीं है। क्या हुआ, तेरी हवा क्यों निकल गई? बस हो गया। मुझे बेवकूफ बनाकर तुम यहाँ पर पार्टी कर रहे हो। इसका बिल 200 से ज्यादा नहीं आएगा। ये वैल्यू है मेरे प्यार की वंशी। सी, बात ये है कि। हाँ बताओ ना क्या बात है। बेवली, बॉस आपको बे बोल रही है। हेलो एवरीबॉडी, ये मुझसे प्यार करता है और अब ये मुझे धोखा दे रहा है। ये देखिए उसका सबूत। इसके डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है। वो जहाँ कहेंगे ये वहीं पे शादी करेगा, वरना शादी बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं, प्लीज प्लीज जरा मेरी बात सुनो। क्यों रे, क्या कमी है मेरे में? क्या मेरा फिगर खराब है? My face is also above average. मेरी एजुकेशन भी अच्छी है। और क्या चाहिए? बताओ, अभी के अभी डिसाइड करो, नहीं तो इस लाइफ का चैप्टर क्लोज। इससे तुम्हें नहीं मारूंगी, अपने आप को मार दूंगी। ये सब क्या है? देखो, या तो तुम प्यार का सबके सामने इजहार करो, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। और मुझे इसका एक्सप्लेनेशन भी देना नहीं पड़ेगा। इससे या तो मैं कटूंगी या फिर वो केक। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, मैं सच में अपनी जान ले लूंगी। बोलो बोलो बोलो, बोलो! ए, ए, रुको! चाकू या प्यार? ओके, कल मंदिर आ जाना, मैं अपना डिसीजन वहीं बताऊंगा। अबे लगता है ये बॉस से सच्चा प्यार करती है। हाँ। ये क्या कर रहे हो? फोटो ले रहा हूँ। फोटो लेने से पहले कैप निकालो। आ। तुम्हारे सर का कैप नहीं, कैमरा का कैप। अच्छा वो बता दी। और अगर हो सके तो जिप भी बंद कर लो। वंशी, मैं बहुत लकी हूँ। भगवान मेरी हमेशा सुनते हैं। मैं जो भी चाहती हूँ मुझे मिल जाता है। चलो अब तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। ये क्या है? तुम्हें नहीं पता? मेरे ख्याल से इसे मंगलसूत्र कहते हैं। आज हम दोनों शादी कर रहे हैं। इतना शौक क्यों हो रही हो? ओ, इतनी सिंपल शादी हो रही है इसलिए? डोंट वरी, मैंने सारा इंतजाम किया है। जयमाला तो रेडी है। ताज में पार्टी है। ताज में फर्स्ट नाइट के लिए रूम भी बुक है। रेडीमेड मंत्र भी तैयार है। शादी अभी? यस, 100% यूथ सिर्फ प्यार करते हैं, पर सिर्फ 10% ही प्यार में पड़कर शादी करते हैं। हम उन्हीं 10% में से हैं। No! मुझे पता था तुम मना करोगी। तुम जैसी लड़कियों के लिए प्यार टाइम पास है, डेली का एंटरटेनमेंट है। दोस्तों के बीच अपने बॉयफ्रेंड को ले जाना स्टेटस सिंबल है। वो एक ड्राइवर की तरह तुम्हें मूवीज लेके जाएगा, पब्स लेके जाएगा, सिम कार्ड के लिए रिचार्ज करने वाला तुम्हारा एटीएम है। वो एक जोकर की तरह तुम्हारी हर बात पे हंसे और हर जगह तुम्हारा पीछा करे। इसे प्यार नहीं कहते नंदनी, यूथ में ये फैशन है। इसे प्यार समझना पागलपन है। बहुत हो गया, तुम जैसा सोचते हो प्यार मेरे लिए फैशन नहीं है और ना ही टाइम पास है। जो प्यार शुरू हो और जाके शादी पे खत्म हो वो प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वो है जिसमें बड़ों का आशीर्वाद शामिल हो। मेरे लिए 7 जन्मों के साथ को प्यार कहते हैं। सच्चा प्यार क्या है ये हमें पता भी नहीं होता, तब भी हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं हमारे पेरेंट्स। अपने प्यार की जीत हासिल करने के लिए हमें अपनों से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने अभी तुम्हारा दिया हुआ ये मंगलसूत्र पहन लिया तो मेरे परिवार के लोग सर उठाकर जी नहीं पाएंगे। मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए मेरे भाई ने मुझे राजकुमारी की तरह बड़ा किया। तुम मेरे दिल में हो वंशी, लेकिन मेरे भैया ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मुझे बचपन में जो कुछ भी चाहिए होता था भैया लाके देते थे। मुझे उन्होंने वो भी दिया जो मुझे नहीं चाहिए था। बदले में मैंने आज तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया। दादी माँ मुझसे हमेशा कहती हैं कि वो मरने से पहले मेरी शादी देखना चाहती हैं।
और यही उनकी आखिरी इच्छा भी है, जैसे सबकी होती है। ऐसा क्यों कहते हैं तुम्हें पता है वंशी? शादी सिर्फ मंगलसूत्र पहनाना नहीं है, बल्कि जिंदगी का महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे सर पर शादी का मंडप हो या ना हो, लेकिन परिवार वालों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। अगर हम अकेले भाग गए तो कोई कंपटीशन नहीं जीत लेंगे, पब्लिक के सामने स्टेडियम में भागेंगे वही होगा असली कंपटीशन। अगर हम बड़ों के आशीर्वाद के साथ शादी करें तो तभी प्यार की जीत होगी। अगर अब भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं सब तुम पे छोड़ती हूँ, ये लो। अगर दुनिया की सभी लड़कियां तुम्हारे जैसे सोचने लगी तो उनके माँ बाप हमेशा खुश रहेंगे, और मेरी यही मनोकामना है कि हर लड़की तुम्हारे जैसे ही सोचे। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आरती ले लो बेटा, कल्याण हो। I'm sorry, नंदिनी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता था। तुमने मुझे समझाया कि प्यार कोई खेल नहीं, वो तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। मुझे तुम्हारी बातें और तुम्हारा मन। इसका मतलब तुम्हारा प्यार सेंटीमेंट के चक्कर में फंस कर रह गया, दोनों परिवार नहीं मान रहे होंगे। सही बोल रहा है यार, इसीलिए तो सपोर्ट के लिए तुझे साथ लाया हूँ। तू चिंता मत कर यार, मैं उसके भाई को मना लूंगा। ये देख, मैं लॉस एंजल्स का रिटर्न आदमी हूँ, ये तो सिर्फ एक छोटा सा गाँव है। तेरे प्यार को जरूर सफल बनाऊंगा। जरा गाड़ी रोक। हेलो, एक्सक्यूज मी, तुझे इंग्लिश नहीं आती होगी। इधर रुक, भूपति का घर किधर है? क्यों बे ऐसे घूर रहा है? भूपति का घर कहाँ है बता? चाकू नहीं है ये बदे, तू बच गया। अगर दोबारा भूपति के साथ भैया नहीं लगाए ना तो तेरी तो भूपति बोलत। क्यों दिमाग घूम गया ना? मेरा दिमाग कभी घूम नहीं सकता। अरे तू मेरी चिंता जरा भी मत कर, लॉस एंजलिस में मेरी इतनी इज्जत है, ये गांव वालों की क्या औकात है यार। हेलो ए भाई, भूपति भैया का घर कहाँ है बताएंगे? लगता है और प्यार से बोलना पड़ेगा। भूपति भैया का घर कहाँ है बताएंगे भैया? क्या बोल रहे थे? चीड़ दे तो के। क्यों बे, अब तो घूम गया होगा। अब मेरी समझ में आ गया। क्या आ गया? भूपति का सिर्फ दबदबा ही नहीं है, दुश्मन भी बहुत हैं उसके। भूपति का नाम लेते ही मुझे लेफ्ट राइट दोनों तरफ पड़ गई यार। ये भूपति क्या बला है, मुझे कोई बताएगा? देवी माँ, मेरी बहन के मित्र आ रहे हैं, बस इतना करना कि उनके जाने तक यहाँ कोई लड़ाई ना हो। भद्रा भाई, छोटी के दोस्त अभी तक नहीं आए? बाली स्टेशन लेने गया भाई। 2 घंटे हो गए, कुछ भी गलत हुआ ना तो कोई नहीं बचेगा। रिलैक्स, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा से टेंशन बढ़ती है, टेंशन से शुगर बढ़ता है, शुगर से बीपी हाई होता है और उसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। क्या ये बात सच है? क्यों तुझे भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर, डॉक्टर वैद्यनाथ रेड्डी। वैद्य सिर्फ नाम का, आता जाता कुछ नहीं। हमारे भाई को आज तक चाकू बम नहीं डरा सके और तू इन्हें बीमारियों से डरा रहा है? देखो, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी भलाई के लिए हरदम सोचें, नहीं तो 16 गांव के गांव वाले जो इनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं वो हमें मार डालेंगे। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो जान से ज्यादा प्यार करने वाली इनकी छोटी बहन वो हमें नहीं छोड़ेगी। करेक्ट। भाई लगता है वो लोग आ गए। सुनो बहना, जी तुम्हारे दोस्त आ गए। देखो तुम लोग, मेरी बहन नंदिनी के दोस्त कितने सभ्य हैं, आखिर वो मेरी बहन है। आओ अंदर आओ। ये लोग कौन? और कौन होंगे भैया, शक्ल से ड्राइवर लग रहे हैं। ड्राइवर, सामान अंदर ले आओ। मैं सामान लेकर अंदर आऊं? हम लोग नंदिनी के फ्रेंड्स हैं। हाँ। तो तुम लोग कौन? हम इन्हें आपका घर दिखाने लेके आए थे मालिक, हम इसी गाँव के हैं, हम रामशी की बेटियां हैं, चलते हैं मालिक। संभाल के जाना। धन्यवाद जी। ये लोग ड्राइवर है ना? मुझे लगा ये लड़कियां नंदिनी की दोस्त होंगी। सिटी में दोस्त तो लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं। हाँ भैया, शहर में लड़के भी दोस्त होते हैं,
आओ ना वंशी, वंशी ये भैया। हेलो भाई साहब। भूपति राय। आई एम पांडू। दिखने में तो तू पूरा मामू लगता है और अपने आप को पांडू बुलाता है। तुम्हें पता नहीं मैं कितना टेढ़ा आदमी हूँ। मुझे पता है। वंशी मेरी भाभी। हाय। मेरी दादी माँ। मेरे फैमिली डॉक्टर बद्रा अंकल, भैया की राइट हैंड। नंदिनी तुम सबके लिए कॉफी बनाओ, अंदर आइए। आप दोनों क्या क्लासमेट हैं? हाँ नो, आई एम 7 इयर्स सीनियर। हाँ दिख रहा है या? तेरे चेहरे की झुर्रियां। अच्छा तुम और नंदिनी क्लासमेट्स हो? नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम फ्रेंड्स हैं। शहर में क्या करते हो? मेरा फ्रेंड बहुत ही फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है, सिटी में इसका बड़ा सा ब्यूटी पार्लर है। मतलब ये ना बाल काटता है। इसे क्या हो गया? ये सब हंसते रहे, लगता है मुझे भी हंसना पड़ेगा। तो तुम लाई हो। ऐसा मत बोलिए जी, ही इज अ हेयर स्टाइलिस्ट। एक ही बात है, ये भी तो बाल ही काटता है ना। हाँ जी। मैंने भी वही कहा। अब अबे। ये बाल काटना भी एक इज्जत का काम है। ए समन्ना। हाँ मालिक। तुम कौन हो और किसके लिए काम करते हो? सिर्फ आपके लिए मालिक। तुम्हारे पिताजी किसके लिए काम करते थे? आपके पिताजी के लिए। और तुम्हारे पिताजी के पिताजी? आपके दादाजी के लिए। देखा ना, इसका परिवार 7 पीढ़ियों से हमारे परिवार पर निर्भर है, हमें नई हजामत की कोई जरूरत नहीं। मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। यही मुझे भी पसंद है। मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। लगता है बात पक गई। मेरी बहन को कौन प्यार नहीं करता? मैं प्यार करता हूँ, मेरी बीवी प्यार करती है, मेरी दादी, डॉक्टर, भद्रा, हवा, पानी, धरती, सारे गांव वाले प्यार करते हैं। लेकिन तुम्हारे मुंह से यही बात सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। वो जो भी हमारा दामाद बनेगा उसे यहाँ आकर हम सबका भरोसा जीतना होगा। और एक बात और, अन्याय के खिलाफ लड़ने का मौका मिले तो मैदान से कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागे, वो इस लायक होना चाहिए कि मेरी जगह ले सके। ये भी जरूरी है कि वो मेरे लोगों को अपना ही समझे। मुझे ऐसा दामाद चाहिए, तुम्हारे जैसा नहीं। समझ गए ना? गाँव में घुसते ही समझ गया था। क्या समझ गए थे? हमें जॉगिंग के लिए जाना चाहिए। मतलब? जॉगिंग मतलब शहर में लोगों के पास काम कम है तो वो सब लोग बहुत दूर तक दौड़ते हैं। कोई उनका पीछा नहीं करता तब भी। क्या हुआ, आप लोग इतना ज्यादा हंस रहे? वंशी ने कोई जोक किया क्या? हम हंसना रोक ही नहीं पा रहे, मजा किया है। मुझे पहले से पता था आपको वंशी पसंद आएगा। तुम जाकर खाना लगाओ बहन। ठीक है भैया। खाना खाके रात की ट्रेन से निकल जाना। भद्रा इनके टिकट का इंतजाम करो। टिकट क्यों? इन्हें रास्ते के लिए कुछ पैसे भी दे देना। मतलब? छोटी ने कहा था तुम 1 हफ्ते के लिए यहाँ रुकने वाले हो। जी हाँ। उसकी जबान का मतलब समझ लो कि मेरी ही जबान है। भद्रा ये हमारे मेहमान है, आउट हाउस में ठहरा दो इन्हें। इन्हें गाँव में रहने की बहुत खुजली है। तू जिगर वाला है, तूने भाई के सामने दिलेरी से कह दिया कि तू उनकी बहन से प्यार करता है। अच्छा लगा मुझे। यहाँ हर कोई लीड हीरो की तरह डायलॉग क्यों मारते रहता है? इस चाकू का और मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। अब ऐसा कौन सा रिश्ता है ब्रा? तू इस चाकू के बारे में कुछ जानता है क्या? आप सिर्फ इस चाकू के बारे में जानते हैं, मैं तो बहुत सारे चाकू के बारे में जानता हूँ ब्रा। पहली टाइप का चाकू, दूसरी टाइप का चाकू, तीसरी टाइप का चाकू, बस एक ही बार में। वैसे तुम यूएस में करते क्या हो? ये बहुत सस्पेंस है, ये मत पूछना ब्रा। ब्रा का मतलब क्या होता है ब्रदर? आपने अभी मुझे क्या बुलाया? ब्रदर। हाँ अमेरिका में इसे ब्रा कहते हैं। ओहो बहुत थक गए होगे ना ब्रा। या क्या हुआ भाई? मैं नंदिनी बहन के दोस्तों को लेने रेलवे स्टेशन गया था, तभी मैंने देखा कि वहाँ वेंकट रेड्डी के आदमी आ गए। मैंने उन्हें मार मार के भगा दिया। कुत्ते की तरह हाँप रहा है, तूने मारा कि उन्होंने मारा?
लगता है इसने सब कुछ देख लिया। लड़कियां नहीं आई भाई, वो लड़कियों की जगह लड़के आए। बली बली, अब ये कैसा नाम है? जैसे गांव में बकरियों की बलि दी जाती है वैसे ही ये हमारा बलि है। ये भाई के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है। अगर भाई ने कहा तो तुम्हें मार सकता हूँ और इसे कहा तो इसे भी मार सकता हूँ। तू एक काम कर बे, तू अपने आप को मार ले, सब सही हो जाएगा। बलि मल्ली का शरावत और माधुरी दीक्षित जैसी होगी सोचा था, लेकिन ये तो बलि निकली। पूरे इंडिया में तुझे प्यार करने के लिए यही लड़की मिली थी क्या? इसमें ऐसी क्या खास बात है? अबे सुन, अपनी सलामती चाहते तो उसके खिलाफ बोलना बंद कर। हाँ, फिर अपने भाई से ऐसा क्यों नहीं कहा? भैया भैया मैं इनसे प्यार करती हूँ, ऐसा कह सकती थी ना। अरे कोई लड़की अपने घर वालों को कहेगी कि वो किसी से प्यार करती है? मैंने इसे घर पे बुलाया, मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों नहीं बोल सकती? नहीं कह सकती, यही कहने तो हम यहाँ आए। तुमने उसे कहा तो रिएक्शन देखा ना, उन लोगों का कल्चर कैसा है देखा? भाई लोग है भाई लोग, और एक आदमी चाकू दिखाकर उसे अपना रिश्ता बता रहा था और दूसरा हमें मारने की धमकी दे रहा था। अगर मैंने अपना ट्रिगर दबाया तो एक ही बुलेट में तीनों का सफाया हो जाएगा। हमें इनसे उलझना नहीं चाहिए, चल भाग चलते हैं। बकवास बंद करना और ये बैग अंदर रख। मतलब अलमारी के अंदर रखना। क्या रे, क्या मैं तुझे चेहरे से बेवकूफ लगती हूँ? हाँ, हम लोगों में कल्चर नहीं है। अगर ये बात मेरे भाई ने सुन ली ना, तो तुम्हारा सर तुम्हारे हाथ में होगा। ये सब तो ठीक है, पर तुम इस गेटअप में कैसे? यहाँ ऐसे ही रहना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, मेरे भैया कैसे लगे तुम्हें? ओह नो, मैंने तो सोचा ही नहीं था। सोचा था कोई किसान विसान होंगे, आराम से सबको संभाल लूंगा, पर तुमने बताया नहीं कि इतने स्ट्रिक्ट होंगे। बताती तो मजा नहीं आता, तुम्हारी हिम्मत देखना चाहती थी। अच्छा अब देखना। फिर उन्होंने बताया कि वो नंदिनी के दोस्त हैं, वरना मेरे आदमी उनसे गाड़ी धुलवाते, पानी भरवाते, फर्श साफ करवाते, पता नहीं क्या क्या करवाते। लेकिन क्या वो सिर्फ दोस्त हैं? उसने कहा दोस्त हैं, यहाँ 7 दिन रुकने वाले हैं, बस अब ये ख्याल रखना कि उसके दोस्तों को यहाँ तकलीफ ना हो। लेकिन क्या नंदिनी को वो लड़का? नंदिनी को क्या चाहिए तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है? तुम पान लगाओ, सुनो भवानी, चूना कम लगाना नहीं तो जबान जल जाएगी। अगर हम लोग उधर मुंह करके इतना भाग रहे होते ना, तो अब तक अपने गांव पहुंच गए होते। तेरे प्यार ने हमें मुसीबत में डाल दिया। इस गांव में नो डायलॉग, नो सेंटीमेंट, सिर्फ लोगों को कैसे मारा जाता है यही सब जानते हैं यार। हे भगवान, हमें देखकर इस गांव के लोग भी जॉगिंग करने के लिए आ गए। सब लोग सांड की तरह दिखते हैं ना। निकाल। अबे चेन खोलने के लिए नहीं कहा? ओह चल तू जीप खोल। लगता है गांव में नए हो, अपनी चेन ब्रेसलेट जो कुछ भी निकालो, निकाल बे। ए क्या कर रहे? क्यों रे, अमेरिका के माइक टाइसन को जानता है क्या? वो बॉक्सिंग चैंपियन मैं ही हूँ रे। तुम लोग कितने लोग रे, कितने लोग हो? ए तू इन लोगों को देख, मैं इन लोगों को देखता हूँ। पीछे से नहीं रे, दम है तो सामने से लड़ना। अब मैं मारने वाला हूँ, बचना है तो भाग लो। वन ओ, ओ, चल भाग रहे, जल्दी निकल रहे। लड़ू कहाँ भाग रहे? कहाँ जा रहा है बे? छोड़ दो मुझे, मार गया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बता रहो। ए, निकाल बे। दे दे रे, जल्दी दे दे, इसके पास चाकू है, दे दे नहीं तो मार डालेगा। दे ना। ये तेरे हाथ में क्या है वो भी देख। ये मैं नहीं दूंगा। अरे दे दे, ऐसा है क्या? नहीं दे दे नहीं तो मार डालेगा। दे ना। ए, ए, जल्दी दे। अरे आ, ले, ले। मेरे पास में कुछ नहीं है, उस रिंग की कीमत 1 करोड़ रुपए है। अरे मुझे मिल गया। मैं इस गधे को संभालता हूँ, तू जा उन लोगों को धो, जा। अरे तू उठ क्यों गया बे? तुझे चुपचाप पड़े रहना था ना। अरे आ चल भाग। ए पटले रुक।
चलते जान से मार डालूंगा। हे भगवान, ये लोग कहाँ से आ गए? अरे 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 क्या, अरे 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 सर में दर्द हो रहा है क्या? मार दूंगा। मैं क्यों मर खाऊं? मैं तुम लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे इतने सालों में आप मुझे नहीं समझ पाए तो फिर ये तो नए लोग हैं, इन्हें क्या समझोगे? तू चुप हो जा नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। इस वेंकट रेड्डी को कोई झंडू बेवकूफ नहीं बना सकता, समझा? अच्छा, कल तुम दोनों भूपति के घर में आए थे। मुझे ऐसा लगा भूपति ने तुम दोनों को मुझे मारने के लिए यहाँ पर बुलाया है, और इसलिए मैंने अपने आदमियों को तुम दोनों को मारने के लिए भेज दिया। जीजा, ये लोग मानव बम से भी खतरनाक हैं, यहीं काट देते हैं। अबे चुप कर। अगर तुझे ज्यादा ही गर्मी चढ़ी है, अपने पीछे बकरियां बंधी है, उन्हें जाके मार। अब इन्हें देख, कितने प्यारे बच्चे। इनको लेकर के फिल्म क्यों नहीं बना लेते? मैंने कुछ ज्यादा बोला क्या? अच्छा, भूपति के आदमियों को तुम दोनों ने इतने बहरे में से क्यों मारा? भूपति के आदमी? तुम लोग इतना चौंक क्यों रहे हैं? वो उसी के आदमी थे, तुम्हें पता नहीं था क्या? ठीक है, बताओ तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए? You know something, Reddy? Venkat Reddy, Venkat Reddy. Yeah, yeah. My Vamsi love with Bhupati's sister. ये क्या बकरा है बे? मुझे क्या पता? You don't know English ना? Okay. मेरा वंशी भूपति की सिस्टर से लव करता है। ये भूपति की बहन को प्यार करता है? बात यही खत्म नहीं होती है। उसकी बहन का हाथ मांगने भूपति के घर गया था। तो बताओ भूपति के लोगों ने तुम दोनों पगलों पर हमला क्यों किया? उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। अबे तू काम क्या करता है? मैं हेयर स्टाइलिस्ट। हेयर? अच्छा, ये कंप्यूटर पे काम करता होगा। हेयर स्टाइल मतलब नवुआ जी। फिर तो तू मेरी बरादरी का है। बार बार ये तो ना ही निकला। अरे भाई, तुम सिर्फ कटिंग में ही मास्टर हो या पार्ट टाइम ऑर्केस्ट्रा में भी कुछ काम कर लेते हो? ऑर्केस्ट्रा में? अरे वो शादी ब्याह में बजाते हैं ना, ढिंक टिका ढिंक टिका ढिंक टिका ढिंक टिका ढिंक। मैं वो सब नहीं करता। इसका मतलब तुम संगीत के बारे में कुछ भी नहीं जानते? अबे तू चुप कर बे। मुझे लगता था सारे नाई तेरे जैसे ही गधे दिखते होंगे। जिंदगी में पहली बार मैंने हीरो जैसा नाई देखा है। जैसा ही तूने कहा, तू भूपति के बहन से प्यार करता है, ऐसा लगा किसी ने मेरे कान में अमृत डाल दिया। भले ही आने वाले इलेक्शन में मैं हार जाऊँ, कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो करना चाहो वो करो, लेकिन शादी होनी चाहिए। जितना खर्चा होगा वो मैं करूँगा। ए सरस्वती, इधर आओ। देखो ये हमारे मेहमान हैं, इन लोगों को खाना वाना खिलाओ। आपको बताने की जरूरत नहीं, इनको देख लिया तभी मैंने सब तैयार कर लिया। कोई बात नहीं, और तो कोई इतना तेज नहीं होना चाहिए। जाओ लेकर जाओ इनको अंदर। इनकी बेटी है? बीवी है। तुम्हें क्या लगा इनकी बेटी है? अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। इतनी शर्माने की कोई बात नहीं है, चलो अंदर जाओ। इन्हें अंदर लेकर जाओ। चलो ये लोग हमारे लिए चाकू का काम करेंगे। जैसे पानी के बकेट में बम रखा हो और वो फूट नहीं सकता, जब जरूरत होगी इनका इस्तेमाल करेंगे। मैं सब समझ गया। अगर हमारी पार्टी के किसी आदमी ने भूपति की बहन से शादी कर ली तो भूपति डूब मरेगा। पहले तुम लोगों ने उससे मार खाई और फिर उन लोगों को वेंकट रेड्डी के हवाले कर दिया। चल भली। भद्रा, ये बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? भाई, हमने इनसे कहा था कि वंशी और पांडू को मारकर गांव के बाहर फेंक दो, लेकिन ये खुद ही पिटकर आ गए। बाहर निकालने को किसने कहा था? मैंने। भाई तुमने? मैंने सोचा छोटी सी बात के लिए आपको क्यों परेशान करूं। भाई, वो हमारे मेहमान हैं। मेरी बहन ने उन्हें यहाँ एक हफ्ता रहने के लिए बुलाया है। हम उन्हें मारकर वेंकट रेड्डी के हवाले कैसे कर सकते हैं? अगर उसे पता चल गया वो हमारे लोग हैं, वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। जाओ उन्हें लेकर आओ। ठीक है भाई। अगर उन दोनों को कुछ भी हुआ तो। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सब लोग इतने शॉक क्यों हैं? हम घर भी गए थे, हम गेस्ट हाउस भी गए थे, हमने तुम्हारे आदमियों को बहुत धोया, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं है ना। जबान संभाल के, वरना यही सबकी समाधि बन जाएगी। और हाँ, हमने सुना है कि रेड्डी के आदमी तुम्हें बांध के ले गए और तुम्हें बहुत पीटा, यहाँ मारा और फिर बाहर ले गए। हम दोनों को इज्जत से ले गए, उपमा खिलाया और चिकन चिल्ली भी खिलाया। आप परोस कर, उन्होंने हमें बताया तो आपके बारे में पता चला। क्या बताया उन्होंने? आप अपनी बहन की शादी कराने की स्थिति में नहीं है, आपकी माली हालत बहुत ही खराब है। मुंह बंद कर। शादी का खर्चा उठाने के लिए वो लोग तैयार हैं। मेरी बहन की शादी का खर्च उठाएंगे? ओ, तो आप ही शादी करवाएंगे? रिलैक्स, ये दोनों रस्सी बम के लायक नहीं, एटम बम क्यों फोड़ना? हरिओम हरिओम। नमस्ते मालिक। आओ पुजारी, आओ, एकदम सही समय पर आयो। हम सबकी भविष्यवाणी तो बताओ। बप्पा सवेरम भजनम सारम, सुजलो धारो सजलो धारो। ये घर खुशियों से भरने वाला है, शादी की शहनाइयां इस घर में बजने वाली है। जल्दी इस घर में डम 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 शादी का बैंड बजेगा। हरिओम हरिओम। और वो बहुत बड़ी शादी होगी, बहुत लोग खाना खाएंगे, बहुत धूमधाम से शादी होगी। 10 पीढ़ियों तक गाँव वाले
इस शादी के बारे में बातें करते रहेंगे। मेरे होने वाले साले के बारे में बताओ। वो तो आग होगा, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, वो डॉन का अमिताभ बच्चन होगा। फिर वही बात, भाई को फिल्मी हीरो लोगों के बारे में मत बता, घर के दामाद के बारे में बता। दामाद क्या है? वो तो तलवारों से खेलने वाला होगा। जहाँ से आप सोच रहे हैं वो वहाँ से नहीं आएगा, वो कहीं और से आएगा। बस इतना काफी है, जाइए आप। बली थोड़ा अनाज दे दो। मालिक आपकी जय हो। हरिओम 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 हरिओम। अजरा भाई, मेरे साले को बुलवाओ। मैं यही बात कब से तेरे मुंह से सुनना चाहती थी। वंशी, तुमने क्या बताया था शहर में क्या करते हो? हेयर स्टाइलिस्ट। हाँ, जो भी है, मेरी छोटी बहन को अच्छी तरह तैयार करो, उसका होने वाला पति आ रहा है। बेटा, नंदिनी के बाल तो चिड़िया के घोंसले की तरह दिख रहे हैं। दादी माँ, आप चुप रहिए, आप नहीं समझेंगी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, इसके दुकान में ऐसे ही ग्राहक आते होंगे ना? दुकान? मतलब वो जहाँ तुम ये सब काम करते होगे, दुकान। ओ, अच्छा, हाँ आते आते हैं। रोज तुम 100-200 कमा लेते होंगे ना? अगर ये 100-200 नहीं कमाएगा तो शहर में इसका गुजारा कैसे होगा? दादी, मैंने कहा ना जाऊँ यहाँ से। हे भगवान, मैं जा तो रही हूँ, गुस्सा क्यों हो रही है? देखो बेटा, इसे जल्दी से तैयार करके नीचे ले आओ, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, अब जरा शीशे में देखना। हे, तुम रो क्यों रही हो? तुमने जो किया उसके लिए मैं क्या हंसू और खुश हो जाऊं? बोलो। हंसी आ रही है ना? हंसो, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना? पागल हो तुम, मैं तुम्हें सुंदर किसी और के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे घर वालों को दिखा रहा हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। हाय भैया, तुम्हारी मूछें कमाल की हैं। आप ही कहते हैं ना भैया, मूछें मर्दों की शान होती है। शाबाश भैया, आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। तोहफा? हे, अंदर लेके आओ। ये लो भैया, आपके लिए तोहफा। वाह, एक ही बार में सिर धड़ से अलग। एक ही बार में तीन सर धड़ से उड़ेंगे भैया। ए बली, भाई इसे संभाल के रख दो। ठीक है भाई, बैठो। बहुत सुंदर लग रही हो बहन, कहीं मेरी नजर न लग जाए। बाबा, कैसी लगी मेरी बहन? कैसी लगी ये भैया? बहुत सुंदर, बिल्कुल ऐश्वर्या राय। बाबा, हम बचपन में साथ खेले हैं, तो मुझे अच्छे भी लगते थे, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कम से कम तुम तो समझो। भैया, मैं नंदिनी को पसंद करता हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। काफी है, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा सा मुहूर्त तय करके मुझे खबर कर देना। बाबा, तुम आज रुक क्यों नहीं जाते? नहीं भैया, एक रेलवे कॉन्ट्रैक्ट लेने जाना है, फिर कभी रुकूंगा, चलता हूँ। तुमने मुझे दिखाया कि मेरी बहन कितनी सुंदर है, तुम में काफी अच्छी योग्यता है, शाबाश। थैंक यू, मुझे एक चांस दीजिए, मैं आपको भी बदल दूंगा। मुझे भी? मेरे भूपति को भी थोड़ा सुंदर बना दो, इसने आखिरी बार पाउडर कब लगाया था पता नहीं। अरे तू बोल ना, बोल। जब आप अपनी बहन को सुंदर देखना चाहते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं सुंदर दिख सकते? भाई, इस बच्चे को एक चांस देके देखो ना भाई, मान जाओ ना भाई, भाई मान जाओ ना भाई, इतनी सी बात मान लो ना। भोजपुरी हीरो की तरह दिखने वाले आपको मेरा वंशी हिंदी हीरो की तरह बना देगा सर। नंदिनी, तुमने सबके सामने ऐसा क्यों कह दिया कि बाबा तुम्हें पसंद नहीं?
तुम्हारे भाई ने वो बात तो सबके सामने हंस के टाल दी, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है। आपने तो कितने आसानी से समझा दिया कि भैया कितने दुखी है, लेकिन अब मेरा दुख नहीं समझ रही। मैं उसी सिलसिले में तुमसे बात करने आई हूँ। तुम्हारे दिल में कौन है बताओ? क्या आप लोगों को पता नहीं है कि मैं किसे चाहती हूँ? लेकिन फिर भी आप सब लोग चुप हैं। कारण? भैया। जब तक भैया मेरे दिल की बात नहीं समझ पाते, तब तक मैं भी उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। देखते हैं क्या होता है। यहाँ फैशन शो नहीं हो रहा है, तुम लोग निकलो यहाँ से। ए, क्या बोल रहा है तू? भाई को छोड़ के नहीं जा सकते? अरे यहाँ कोई तमाशा थोड़ा ही हो रहा है ब्रा, इन लोगों को निकालो यहाँ से। आपका फेशियल वाला चेहरा इनको नहीं देखना चाहिए भैया। भद्रा, हाँ भाई, बाहर जाओ। ए, चलो रे यहाँ से, निकलो। तुझे स्पेशल बोलना पड़ेगा क्या? अरे हम सात पुश्तों से यही काम करते आ रहे हैं। अरे मैं यही देख रहा था कि तुम लोग कुछ अलग करने वाले हो। तो 100 रुपए निकालो सर। अबे किस बात के? अरे ये देखने के लिए। अच्छा, अरे जो काम मैं रोज करता हूँ उसको देखने के लिए 100 रुपए दूँ? अरे उसी 100 रुपए से मैं अपना मोबाइल का रिचार्ज नहीं करवा लूंगा और दिन में 4 बार बात करूंगा। बड़ा 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। ये क्या है? ये खीरा है, ये आपकी आंखों को ठंडा रखेगा, अच्छा होता है। खीरा आंखों के लिए अच्छा होता है? मुझे थोड़ा सा देना। ए, मैंने कहा शीशा तू फोटो दिखा रहा है? ये किसी का फोटो नहीं है, ये तो आप ही हैं। मैं हूँ। पकड़ो उन्हें। पकड़ता हूँ भाई। मैं जब भी शीशा देखता हूँ बहुत गुस्सा आता है। रिलैक्स रिलैक्स, सब कुछ हमारे भले के लिए ही होता है। वैसे एक बात बताऊं, आप पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। क्या कहा? मेरी उन मूछों के बगैर भी। पहले आप बड़ी बड़ी मूछों के साथ जादूगर दिखते थे, लेकिन इन छोटी मूछों में एकदम हीरो दिखते हैं। आप मुझे दिलासा दे रहे हैं डॉक्टर, पर वो लोग इस गांव में कभी नहीं रह सकते। रिलैक्स रिलैक्स, आपने सिर्फ अपने बाल ही खोए हैं। आप नहीं चाहेंगे तो भी वो वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर यस, अगर वो मुझे मिल जाते तो मैं उन्हें नींबू की तरह निचोड़ देता। भैया आप जानते हैं मैं आपको इस गेस्ट हाउस में क्यों लाया हूँ? मुझे पता है, बाहर गया तो सब हंसी उड़ाएंगे। कह दिया, लेकिन ये बात एकदम सही नहीं है। यहाँ की हरियाली देखिए, यहाँ की धूप देखिए, आप सब कुछ भूल जाएंगे। आप वहाँ देखिए, वो गिरगिट इस डाल से उस डाल पे कूद रहा, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी मूछें भी इसकी पूंछ की तरह थी। अरे यार इसको फिर याद आ गया। आप नारियल पानी पीजिए। ए भैया एक नारियल दो, पी लो भैया। एक कह रहा है काट दे। भूपति नहीं है वो, भूपति है। हाँ भूपति नहीं हो मैं। भूपति हूँ मैं। अरे बाप रे, भूपति भाई मुझे छोड़ दो भाई, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो लोग आपके साले को मारने का प्लान बना रहे हैं भाई। Oh!
हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, रहने दो, आपका खून बह रहा है। मैं बचपन से नंदिनी को चाहता था, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है ये जानकर मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नंदिनी के लिए तुम बिल्कुल सही हो, नंदिनी का ख्याल रखना। चल भाई, इसी ने बाबा को मारने की कोशिश की, यही है वो। ए, इसे गोदाम में ले जाओ और बांधो। अगर कल तक वेंकट रेड्डी ने मेरे पैर नहीं पकड़े तो इसका सिर उसके घर के बाहर टांग दूंगा। चल 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 तेरी तो। देवी माँ, आज मैं आपको एक बलि चढ़ाऊंगा। लेके आओ उसे। भाई वो हमारी कैद से भाग गया भाई। पर वो भाग कैसे गया? उसे मैंने यहां से भगाया, मुझे डर था आप उसे मार देंगे। तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत है कि तुम 7 दिनों तक हमारे मेहमान बनकर यहां पर रहे। आज के बाद 7वां दिन खत्म, शाम होने से पहले निकल जाओ, नहीं गए तो सिर काट दूंगा तुम्हारा। अब मेरी बात सुनो, तुमने मेरे दुश्मन की जान बचाई है, तुम कभी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। निकलो। बस एक बात कहनी है, यहां गांव के लोग आपकी बात सुनते होंगे, लेकिन वो जो फैसला लेता है उसको कोई नहीं मिटा सकता। और उसने कहा है कि नंदिनी, अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो वो आपको मिलकर ही रहती है। देखो बेटी, हर लड़की के माँ बाप हमेशा 3 अवसरों का इंतजार करते हैं, उसके जन्म होने का, बड़ा होने का और शादी। बेटी अपनी शादी के लिए अपने भाई की ही बात सुनो, मेरा भूपति हमेशा तुम्हारा भला ही सोचता है। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपते हुए कहा था कि मैं तुम्हें बेटी की तरह संभालूं। कुछ जिम्मेदारियों के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, एक लड़की को बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। अगर तुम अपने भाई को खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें भी खुश रहना होगा। तुम्हारे भाई इस गांव के लोगों के साथ न्याय करते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय कैसे करेंगे? भरोसा रखो। अरे इस दलदल से बाहर निकल यार, और खुशी से रह। देख मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, अगर तुझे खुश रहना है तो इस दलदल से। बस कर, कितनी बकबक करेगा। मैं नंदिनी के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बारे में मत सोच, उसका भाई तुझे काट डालेगा। आप बंदूक लेके क्यों बैठे हैं? आपने वंशी को शाम तक का वक्त दिया था ना? भाई की चेतावनी के बाद अब वो इस गांव में पैर रखने की कोशिश नहीं करेगा। तो फिर बंदूक किस लिए? इस बंदूक की गोली में मेरे दुश्मन का नाम लिखा है, नहीं छोड़ूंगा। सुनिए जी, वेंकटेश ने कहा है कि गन्ने के ट्रैक्टर शाम की पूजा के लिए यहाँ आ जाएंगे। ओ ठीक है, नंदिनी अंदर ही है, जाकर देख लीजिए। नंदिनी आओ भैया, देखिए मैंने वो सब कुछ बनाया जो आपको पसंद है। क्या तुम आजकल इसलिए उदास रहती हो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? मैं चाहती हूँ आप खुश रहें। तुम भले ही अपना दर्द छुपाने की चाहे जितनी मर्जी कोशिश करो, पर मुझसे कैसे छुपाओगी? आप वंशी को पसंद नहीं करते, ये आपकी मर्जी है। मैं वंशी को पसंद करती हूँ, ये मेरी मर्जी है। हम दोनों की मर्जी कभी ना कभी तो एक होगी ना। ये तुमने सच कहा, अरे ये हमारे खून में है। एक बार जो हम फैसला लेंगे वो हमारे लिए आखिरी फैसला होगा, आखिरी।
अगर हम किसी को दिल से चाहते हैं तो वो हमें जरूर मिलता है। कितनी गर्मी है यहाँ, मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। ये ठीक तो नहीं है, पर ऐसे काम चला सकते है। ठोका काला है लेकिन चल गई। इस गांव में गुंडे ही नहीं, इस तरह के लोग भी रहते हैं क्या? गन्ने के ट्रैक्टर में जो बम है वो फूटेगा ना? बिल्कुल डाउट नहीं है, जैसे ही भूपति गन्ना खींचेगा वो फट जाएगा। आधे घंटे में बैंगलोर की ट्रेन है, तू निकल जा। और तुम? मुझे कुछ नहीं होगा, तू निकल। भाई ये पहली फसल है, यदि आप हमेशा की तरह गन्ना खींचेंगे तो हम ये फसल मंडी में भेज सकते हैं। हाँ, इस बार मैं नहीं खींचूंगा, इस काम के लिए मेरी बहन के हाथ सबसे शुभ है। जानती हूँ तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत प्यारी है, लेकिन सालों से ये काम घर का मुखिया ही करता आया है, ये प्रथा बदल नहीं सकती, तुम्हें ही करना होगा। हाँ भैया आप ही जाइए। मुझे ही करना होगा, ठीक है। भूपति तुमने खतरा मोल क्यों लिया? नंदिनी के लिए तो नहीं, मैं नहीं चाहता था कि गांव वाले अपना भगवान खो दे। अगर मैं मर जाता तो तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाता ना। अगर मुझे आपकी बहन मिल गई तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी, लेकिन अगर आप जिंदा रहे तो गांव वालों की जिंदगी सवर जाएगी। मैं चलता हूं। खुद के बजाय तुमने मेरे लोगों के बारे में सोचा, यही बात पसंद आई। तुम इस गांव के दामाद बनने के लायक हो, पर इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं। मेरी बहन की है नंदिनी। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। कैसी पकड़ के बाल काटता हूँ, उन्होंने इसके उसी हाथ को तोड़ दिया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आगे क्या होगा। जो होना है वो तो होगा, आप रोक नहीं सकते, वो आ रहा है। कौन है, कौन आ रहा है? तेलंगाना। तेलंगाना आएगा तो कोस्टल भी आएगा, कोस्टल आया तो रॉयल सिम्बा भी आएगा, मैं चिंता क्यों करूं? जी आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? उस वंशी की राशि मुझे पता है, पर इस राशि का क्या करूं? डर के मारे वृषभ राशि के पसीने निकल रहे हैं। इसका मतलब वो सिंह राशि का होगा। तू चुप रहेगा कि जान से मार दूं? नहीं 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 नहीं। अच्छा पहले उस वंशी ने भूपति के लोगों को मारा, उसके बाद उसने तुम्हें मारा और भूपति की जान बचाई, अब वो उसे बचा के करना क्या चाहता है? मुझे उसकी पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आ रही है। उसकी पॉलिसी से तो लगता है कि वो पहली बार में सबको मारता ही है। महाभारत में कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से थे, ये किस साइड से पता नहीं चल रहा है। वो किसी की तरफ हो जीजा जी, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने तुम्हें औरत और बच्चों को मारने के लिए नहीं कहा। बंद कर बे, चुप करता हूँ। अब वो भूपति घायल शेर की तरह घूम रहा है। तो क्या हम लोग सांप की तरह बिल में घुस जाए? जी घुस जाओ, समय आएगा तब फन निकाल कर उसे डस लेंगे। ओ, बिल में सीलिंग फैन लगा लेना, गर्मी बहुत पड़ती है। लो पंडित जी आ गए, उन्हीं से पूछ लो। अरे छोड़ना, वो अपना पुजारी है। हुर्रम 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 हुर्रम, रंभा हो हेमा हो जय हो सुषमा हो, नमस्ते मालिक। आइए आइए, हम सब लोग आपका कब से इंतजार कर रहे थे, काफी देर हो गई। बैठिए। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, चलो बैठो। श्रीमान जी ये क्या, आप शेर जैसे दिखते थे अब बिल्ली जैसे दिखने लगे? अरे वो सब बकवास छोड़िए, जल्दी से हमारे सांप का भविष्य बताइए। बताता हूँ इनका भी भविष्य और आपका भी। मेरा भविष्य बताने की कोई जरूरत नहीं है, सांप का बता दो वही काफी है। हुर्रो हुर्रो, पर्वतों के देवता रेड्डी का भविष्य बताओ, ये बहुत परेशान है। श्रीमान आप एक परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं, और श्रीमान भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। ये सब बकवास कर रहा है, इसकी बात मत मानना। दूसरों के खेत आपके नाम हो जाएंगे। इनके तो वैसे ही सारे खेत दूसरों के। श्रीमान आपको एक नई चिड़िया मिलने वाली है, आपकी जिंदगी में एक नई चिड़िया। सच में? हाँ। ये अभी की चिड़िया से तो अंडे निकलवा नहीं पा रहे, दूसरी चिड़िया लाके क्या करेंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कितने बार बोला तुझे बीच में मत बोला कर, बाहर के लोगों के सामने मेरा कचरा हो जाएगा। चिड़िया के बारे में छोड़ दीजिए गुरुजी, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताइए। इस साल मंत्री आप ही बनेंगे। गुरुजी कितने साल हो गए किसी ने मुझसे ये बात कही नहीं। ए सरस्वती मेरी बात सुन, थोड़ी चीनी लेकर आना, मैं इनका मुंह चीनी से भर दूंगा। इनका चीनी से क्या होगा, शराब की पूरी बोतल दे दो इनको। श्रीमान हाथ से काम चलेगा। वो भी ले लो। हरियो
स्वर्ग की अप्सरा यहाँ पे फूलों के साथ सजी हुई ये लड़की है कि बिजली, इसे भी ले जाऊँ क्या? ए गुरुजी बैठ जा, मेरा भविष्य बता, चल तू अंदर जा। श्रीमान इसको अपने साथ बिठाइए, पर्वतों के देवता खुश होकर आशीर्वाद देंगे। अरे पुजारी जी इनकी चिंता छोड़िए, अभी इनका भविष्य बताइए। तू अभी तक यहाँ खड़ी है, चल जा। श्रीमान ताज तो आपका है, गद्दी उसको मिलेगी। किसे? आप जीतेंगे लेकिन वो हारेगा नहीं। ये तो वैसा ही हो रहा है जैसे शादी आपकी हुई, स्वागत को मनाए। मैं अच्छी बात सुनना चाहता हूँ, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मेरा भविष्य बताना छोड़ो, मुझे उस भूपति का भविष्य बताओ। अरे आप इससे क्या पूछ रहे हैं, मैं ही बता देता हूँ, आप अगर यहाँ हार गए तो वो वहाँ जीत जाएगा। सत्य वचन श्रीमान, पर्वत के देवताओं की कसम। पहाड़ में गए तुम्हारे पर्वत देवता, मेरी भलाई इसमें है तो वेंकट रेड्डी भगवान की भी नहीं सुनेगा। ये ले चल भाग। क्या समझाऊं मैं, हेमा हो जया हो श्री हो कोई भी हो, जा रहे हो? श्रीमती जी से एक पुरानी साड़ी मांगना चाहता हूँ। पुरानी साड़ी क्यों, जो पहन रखी वही ले जा। अच्छा, 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 चल जा। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बंद रखूं या खुली रखूं, मुझे हरदम वही नजर आता है। वो आदिवासी है, वो भूपति। जब तक मैं उसे मार नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। इसका मतलब कभी सोएंगे नहीं। क्या हुआ दादी? वहां देखो। इसे क्या हुआ? हेलो, लोग ऐसी उदासी शादी के बाद दिखाते हैं, तुम अभी से ही बताओ हुआ क्या? आप सब तो अब बहुत खुश हो ना? तो खुश नहीं होना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, मुझे आपको मनाने में काफी समय लग गया, लेकिन मेरे पिताजी को मनाना बहुत ही मुश्किल काम है। वंशी तुम अब अकेले नहीं हो, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पिताजी आखिर करते क्या हैं? वो हाई कोर्ट में जज थे। अरे पहले क्यों नहीं बताया, मेरा काम आसान हो गया। न्याय और अन्याय के बारे में उनमें ज्यादा समझ होगी। वो तुम्हारे प्यार के साथ जरूर न्याय करेंगे, मैं तुम्हें जबान देता हूँ ये होके रहेगा। भाई आप तो मान गए, मगर इसके पिताजी नहीं माने तब? अगर पिताजी नहीं माने तो इसकी माँ को मनाऊंगा। क्या हुआ, कब तक तू ऐसे लड़कियों की तस्वीर देखता रहेगा? जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक। तुमने कहा था कि वो दोस्त की शादी में गया है। वापस आ गया है, इसलिए फोटो सेशन हुआ ना। मुझे हर हाल में एक अच्छी मैचिंग चाहिए। डैडी, डैडी। ऐसे तो कोर्ट रूम में बुलाते हैं। हाँ अंकल, डैडी भैया कहाँ है? मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, एक घंटे हो गया उसको अंदर गए हुए। भैया, भैया। क्या हुआ? भैया क्या हुआ? जरा अपना हाथ दिखाओ। पर बताओगी क्या है? बोला ना हाथ दिखाओ, मजाक बंद करो। भैया मैं चाहती हूँ हर जन्म में तुम ही मेरे भाई बनो। सच में या पैसों के लिए? ओ भैया मेरे प्यारे भैया, चलो पैसे जल्दी निकालो निकालो। ये सुर क्यों बिगड़ गया? देखो ना महात्मा गांधी कितने उदास दिख रहे हैं। अच्छा बड़े फ्रेम वाले गांधी चाहिए, ये लो। देखो ना इस नोट में गांधी जी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। सच में थैंक यू। आपका काम खत्म, अब आप निकलो। अच्छा अगर ये त्योहार हर महीने आए तो मेरा मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों के प्यार को देख के दिल को सुकून मिलता है अंकल। हाय अंकल। कम कम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं अकेली नहीं आई हूँ। हैंडसम कहाँ है? वो अपने रूम में है। कम। क्या हुआ अंकल, ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं बेटी, अभी फोटो में देखा था, सामने देख के शौक हो गए। मैं वंशी को शौक देने ही आई हूँ अंकल। चार नंबर वाली लड़की भी आएगी। हाय अंकल। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम भी आ रही हो? जिससे मिलने आई हूँ उसे भी पता नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये चारों लड़कियाँ एक साथ क्यों आई? ये चारों लड़कियाँ और सबको। अंकल वंशी के दिल में हम लोग में से कोई नहीं है, वो किसी और से प्यार करता है। मैरिज आर मेड इन हेवन अंकल, और उसे साबित करता है हमारा सच्चा प्यार। अगर आप 100% जज हैं, 1000% पापा भी हैं, तो वंशी के प्यार के साथ न्याय जरूर कीजिए। अंकल इतिहास में उन्हें मारते थे जो प्यार करते हैं, लेकिन प्यार को कोई नहीं मार सकता। गुड बाय अंकल। तुम्हारा बेटा अच्छा झटका दे रहा है। मैंने चार वेदों को देखा, 4000 कुंडलियों को देखा, उनमें से चार लड़कियों को चार दिशाओं से चुना। अबे पांचवी लड़की कौन है? हवा। हवा
भैया वो तुमसे बेहतर पोजीशन पर है। अरे चुप करना, मुझे तो चिंता हो रही कि आगे क्या होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फर्स्ट एड मेरे साथ रहेगा ना। और मैं इमरजेंसी एड के साथ। वंशी, शेर दहा रहा है। उन चार लड़कियों को चुनने में मुझे 2 साल लग गए, लेकिन तुम्हारे एक झटके ने मेरे सारे सपने को तोड़ दिया। व्हाट 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 शॉट। लेकिन फिर भी मुझे गर्व है, आखिरकार मेरे बेटे ने किसी को चुन लिया, वो भी बिना मुझसे पूछे हुए। चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, कम ऑन। फिर तुम उस लड़की को तुम्हारी माँ और मुझे कब दिखा रहे हो? आप उसका फोटो देखेंगे? नो मोर फोटोज, सेंटिमेंट काम नहीं आएगा, सीधे लाइव देखेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो रही है, बहुत खुश हूँ मैं। आप सब लोग यहीं पर हैं, मुझे पता है, कोई मेरी हेल्प करो प्लीज। ये सब क्या नाटक है? आपका गेटअप सेटअप बदलने के लिए वंशी ने ये सब भेजा है। क्यों, इस गेटअप में बुराई है क्या? ये गेटअप आपके गाँव के लिए तो ठीक है, मगर जज के यहाँ अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाएंगे तो उनके लेवल के लिए, उनके स्टेटस के लिए, उनके रेपुटेशन के लिए, देखा ना, मैं उनका नाम लेते ही कितना ऊपर पहुंच गया। अगर ज्यादा बोलेगा तो यही लटका रहेगा तू। भले। तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो जैसे हम गुनहगारों को देखते हैं। मैं मेहमानों के साथ अच्छे से पेश आऊंगा और इज्जत से बात करूंगा उनसे, ओके? देख मेरे भाई, तू बात से मुकरना मत, रिश्ता कबूल कर ले। माँ, यही है भाभी। क्यों जी, लड़की बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि मैंने उसको कहीं देखा है। मैंने पहले से देखा नहीं, लेकिन मुझे ये आदमी गड़बड़ लग रहा है। ये तुम्हारा पुलिस वाला दिमाग बोल रहा है। रिटायर्ड होने के बाद पुलिस पुलिस नहीं रहती क्या? डैडी, ये मिस्टर भूपति हैं। नमस्कार। नमस्कार जज साहब, ये मेरी पत्नी, वो बहन नंदिनी, और वो मेरी दादी। नमस्ते, नमस्ते। और मैं डॉक्टर वैद्यनाथ रेड्डी। ऐसे बोल रहे हो जैसे राजशेखर रेड्डी हो। ये है भद्रा और ये बलि, अपने भूपति जी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, मतलब राइट साइड का घर लेफ्ट साइड का घर, दोनों नेबर हैं। आई सी। बहन नंदिनी, आशीर्वाद लो। तुम्हारी शादी किसी भी घर में हो, मैं चाहूंगा हमेशा तुम खुश रहो। बहुत अच्छा आशीर्वाद था, मुझे पसंद आया। कल की बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये आशीर्वाद हमेशा रहते हैं। हाँ भाई, सही कहा। ये आपका भाई है? जी नहीं। तो आपको ये भैया क्यों कह रहा है? क्योंकि इनके लिए ऐसा ही है, ये छोटे भाई जैसे हैं। ओह, देख क्या रही हो भवानी, दो ना। ये क्या है? ये आपके लिए है। मुझे ऐसा पसंद नहीं है। ये हमारा रिवाज है, दो इन्हें। लीजिए। सर, आपका बेटा मेरी बहन से प्यार करता है, अगर हम इनकी शादी करवा दें। देखिए भूपति जी, ये जो प्यार है ना, इसमें दो दिलों का संबंध होता है, लेकिन शादी दो परिवार से संबंधित होती है। मेरे हिसाब से शादी कोई घर की सजावट नहीं है, वो घर की बुनियाद होती है। मुझे फैसला लेने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। अच्छा, मैं 2 दिन के बाद यहाँ आऊंगा। आशा करता हूँ आप अच्छी खबर सुनाएंगे। ओके। नमस्ते। चलता हूँ सर, संभाल के जाइएगा। अब मेरे पास उनकी फोटो भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, उसके एरिया के एसआई से बात करता हूँ, उस भूपति का इतिहास निकालता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, वो खरा सोना है, खरा सोना। जरा खोल के बताओ। वो जज के ओहदे से रिटायर नहीं हुए हैं, रिजाइन किया है उन्होंने। रिटायर्ड जज के बारे में सुना था, रिजाइन जज क्या होता है? वो प्रेस्टीज पटवर्धन है,
असल में हुआ ये था। जस्टिस पटवर्धन साहब, मैं जस्टिस पटवर्धन नहीं हूँ, जस्ट पटवर्धन हूँ। आपने जॉब से रिजाइन क्यों किया? कोर्ट में मेरे सामने एक अपराधी खड़ा था, वो काफी बड़े लोगों को जानता था। उस अपराधी को छोड़ने के लिए ऊपर से बहुत प्रेशर आए थे, वो चाहते थे उसके परिवार के लिए मैं उसको छोड़ दूं। उस ड्रग डीलर के कारण कितने बच्चे बर्बाद हो गए, यंग जनरेशन एकदम खराब हो गई, ऐसे आदमी को छोड़ दूं? इसलिए मैंने उस ड्रग डीलर को 5 साल की सख्त से सख्त सजा सुनाई और अपने जॉब से इस्तीफा दे दिया। आपने सही न्याय दिया, फिर आपने जॉब क्यों छोड़ा सर? मुझे इस केस में न्याय करने के लिए ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था, इसीलिए मैंने रिजाइन दे दिया। अगर आप जैसे कुछ और अधिकारी हो तो फिर कुछ और कुर्सियां खाली होती। वाह, वाकई जज तो महान है। प्रेस्टीज पटवर्धन मेरी बहन का ससुर है। अच्छा, उसका क्या हुआ? किसका? वो मुजरिम जिसको जज ने सजा सुनाई। वो, उसे 5 साल की सजा हो गई, वो 1-2 दिन में बाहर आने वाला है। ये उसका फोटो। अरे भले। हाँ भाई। इसे जरा याद रखना। वो किस लिए भाई? ये दिखा तो इसका सिर काट दूंगा। मेरी बहन के ससुर का दुश्मन मेरा दुश्मन। जहाँ तक मुझे पता है, इन 25 सालों में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। आइए आइए। नमस्कार जज साहब। नमस्कार, आइए बैठिए। डॉक्टर वैद्यनाथ जी नहीं आए? रात को हैदराबादी बिरयानी खा ली थी, इसलिए बाथरूम का ही चक्कर लगाए जा रहे हैं। आपने कहा था 2 दिन में फैसला सुनाएंगे, हम उस अच्छी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छी खबर है, लेकिन आपके परिवार के लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए। जैसे शादी के लिए दुल्हन की कुंडली निकालनी पड़ती है, उसी तरह मैंने आपकी जन्म कुंडली निकाली है, पर किसी ज्योतिष से नहीं, पुलिस और प्रेस से। टाइम्स, वार्ताहर, ज्योति, हिंदुस्तान, आपका इतिहास इन सब में छपा हुआ है। अगर आपने ये सब कुछ स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया होता तो शायद आपको भारत रत्न मिला होता, लेकिन आपने ये गुनाह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए किया है। आप एक खूनी हैं। आप एक तानाशाह हैं। आपको पता है क्या है, इंडियन पिनल कोड, इसके अंदर हर गुनाह के लिए एक सेक्शन है। जो गुनाह आपने किया है, किसी भी सेक्शन के अंतर्गत आपको सजा मिल सकती है। ये सब कहानियाँ पुलिस ने लिखी हैं, जो कानों के लिए थोड़ा कड़वी हैं। किसी केस में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। मैं कभी कोर्ट में मुजरिम साबित नहीं हुआ। आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आपने कुछ किया भी नहीं है। आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। आप जैसा इंसान इस घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एक तानाशाह हैं, एकदम खतरनाक। अगर आज आप किसी को मारेंगे तो 10 साल के बाद आकर के उसका बेटा आपको मारेगा, और तो और वो मेरे बेटे को भी मार सकता है। मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपके गुनाहों की बलि देने के लिए नहीं। सुनिए जी। ये चुप कर, मैं इसकी शादी कहीं और करवा दूंगा, तुम अपनी बहन की और कहीं करवा दो। क्यों बेटी, मैंने तुम्हारे भाई को भला बुरा कहा, तुम्हें बुरा लगा होगा ना? तुम्हें दर्द समझ में आता अगर तुम उस घर में जन्म लेती जिन्हें तुम्हारे भाई ने मारा होता। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम इनकी बहन हो। जज साहब, ये रिश्ता वंशी और नंदिनी के बीच है, मेरे और आपके बीच नहीं। मैं बहन की खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। आपको क्या चाहिए, मांग कर देखो। लाख मांगोगे, करोड़ दूंगा। अगर घर बोलोगे तो पूरी गली ही खरीद दूंगा। सब मेरे खानदान को जानते हैं, 7 पीढ़ी से। मेरे लिए ये रद्दी कागज है, जिसके मन में भी जो आता है बस लिख देते हैं। अब बोलो। मुझे दौलत दौलत नहीं चाहिए, इज्जतदार परिवार चाहिए। आप में और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं। आप जैसा आदमी एक साइन करता है और किसी को फांसी हो जाती है, उसने कुछ किया हो या नहीं। मैं भी लोगों को मारता हूँ, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो आप लोगों को सजा देते हैं, और मैं मारता हूँ धर्म के लिए। अगर आप मारे तो न्याय, मैं मारू तो गुनाह। आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। मैं कितना बड़ा तानाशाह हूँ ये तो मेरे इलाके में आके पता चलेगा आपको। आप में कुछ ज्यादा ही गुस्सा है, मार धोने की निशानी है। आपको पता है शादी क्या चीज होती है?
जिंदगी भर का साथ। तुमसे रिश्ता जोड़ के कोई जी नहीं सकता। गेट आउट। यही मैंने आपके बेटे से कहा था। मैंने कहा था तू कभी मेरी बहन से शादी नहीं कर सकता, पर उन दोनों के प्यार के आगे मेरी जिद भी झुक गई। सिर्फ मैं ही नहीं, हर किसी को प्यार के आगे झुकना ही पड़ता है। आप दूल्हे की तरफ से हो, आप हमसे एक कदम आगे ही हो। हम लोग लड़की वाले हैं, हम आपसे 10 कदम पीछे ही हैं। एक भाई होने के नाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम हर फैसले के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप हमारे हाईकोर्ट हैं, इसलिए मेरी बहन के प्यार के साथ न्याय कीजिएगा। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। नंदिनी, अपने ससुर से आशीर्वाद लो। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर वैद्यनाथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। रात को हैदराबाद बिरयानी कुछ ज्यादा हो गई थी तो पच नहीं रही है, कौन सी दवाई लूँ? अरे आप भी तो डॉक्टर हो। मेरी फीस थोड़ी ज्यादा है। वो जज है तो क्या हुआ, मेरे पोते के बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा? वो इस रुद्रा देवी को अच्छी तरह से जानता नहीं है। अगर मैंने साड़ी बांधी और हाथ में तलवार खींच ली ना, तो चारों तरफ लाशें लाशें देखने को मिलेगी। भड़ाया जज का बच्चा। दादी माँ शांत हो जा। क्यों शांत हो जाए, हम उनके घर रिश्ते की बात करने गए थे और उन्होंने हमसे किस तरह से बात की? मुझे माफ करना भैया, मेरी वजह से आज आपको इतना अपमानित होना पड़ा, ये सब मेरी वजह से हुआ। भाई एक बार हाँ कर दो, उस जज का सर तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। हाँ भाई, काट डालेंगे उसे। क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रहे हैं? उस जज ने गलत क्या किया, उसने मेरे बारे में बताया, ये बताया कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है। मेरी जिंदगी में पहली बार मेरे सामने कोई खड़ा होकर सच बोल रहा है। मैं उस जज का सम्मान करता हूँ और वो भी मुझे जल्दी समझ जाएंगे और वो भी मुझे उतना ही सम्मान देने लगेंगे। नंदिनी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये शादी जरूर होगी। किसके नाम से पूजा करानी है? वंशी, मेरे होने वाले जीजा। उनका गोत्र? गोत्र अक्षयधारी। आप लोग आरती लीजिए। ए, रोक 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 रोक, लगता है ये इसी शहर की है, आ देखते हैं। ए, ए, चल जल्दी बैठ। भाई आजकल वो जज के बेटे के साथ घूम रही है, शादी भी करने वाली है। पास पास। हाँ चला रहा हूँ चला रहा हूँ। जल्दी कर, भगा भगा, थोड़ा तेज चला। हाँ चला रहा हूँ। बचनी नहीं चाहिए। ए, कौन है बेटू? भैया भैया क्यों रे? आज 5 साल के बाद मैं जेल से बाहर निकला हूँ, मुझे रिसीव करने के बजाय तू रोड पे घूम रहा है। अरे भैया आप नहीं जानते वो लड़की। कौन सी लड़की? जज की होने वाली बहू है। जज की होने वाली बहू? उस जज की बेटी को उठा, तू आज उसका रेप करना, इसका रेप बाद में करेंगे। hey! सॉरी। अरे जो भी इस देश में पैसा कमाता है उसे टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन तेरे बाप ने मुझे 5 साल के लिए जेल में भेजा और मैं 1 रुपया भी नहीं कमा पाया और तेरा बाप करोड़पति बन गया।
अब तेरे बाप को भरना पड़ेगा मेरा टैक्स, मतलब 1 साल का 1 करोड़ और 5 साल का 5 करोड़। तेरा बाप 5 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा जो अभी हम तेरे साथ करेंगे। देखती रहना तू हम क्या करते हैं। छोटू। हाँ भैया। पहले ये डील तुम साइन कर लो, उसके बाद तुम्हारे दोस्त भी साइन कर लेंगे। डीजीपी को फोन करें। अरे छोड़ना यार। अच्छा बता डीजीपी क्या करेगा? वो कमिश्नर को फोन करेगा, कमिश्नर पुलिस को फोन करेगा। एक बार पुलिस में कंप्लेन हो गई तो वो लोग श्वेता को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं इनसे 20 साल से डील कर रहा हूँ, तुम ये बात समझ नहीं पाओगे। भले ही तुम श्वेता के पिता हो, लेकिन वो इन हाथों में भी खेली है। मुझसे पैसे लेने में झिझक रहे हो? मैंने इतनी मुश्किल से ये पैसे जमा किए हैं, मुझे श्वेता वापस चाहिए। मुझे बताओ श्वेता कहाँ है, मैं उसे लेके आऊंगा। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाएगा, अभी उसका फोन आता होगा। डैडी, डैडी, बेटी। श्वेता, श्वेता, तुम ठीक तो हो ना बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड। बेटी तुम उनसे कैसे बच के निकली? नमस्ते जज साहब। आप यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था ना मैं जल्दी ही आऊंगा, और मैं वादा नहीं तोड़ता। मैं आपका फैसला सुनने आया। पटवर्धन का सुनाया हुआ फैसला कभी बदलता नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग तो कभी बदलेंगे नहीं। गांव से आकर के 4 दिन नहीं हुए हैं, 4 लोगों को 1 दिन में पीटते होंगे। शहर में भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, खून देखे बिना जी नहीं सकते। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बहन से नहीं करा सकता। गेट आउट। डैडी आप किसे गेट आउट बोल रहे हैं? थोड़ी देर पहले आपने थैंक गॉड कहा था, आपको थैंक गॉड को नहीं इन अंकल को कहना चाहिए। ये क्या बोल रही हो बेटी? ए बले। हाँ भाई। मेरी बहन के ससुर को इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी ना? आपने कहा था इसका सर काट देंगे। हाँ? ए, कौन है बिट्टू? बले। भाई। ए, तूने भाई पे हाथ उठाया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। क्या उखाड़ेगा ये? मेरे को जान से मार दो। मेरी बहन के ससुर को दोबारा तकलीफ दी ना काट के रख दूंगा। कौन था भी ये?
मैं अपनी जिंदगी में किसी का एहसान पसंद नहीं, ये मेरी बेटी को बचाने के लिए। डैडी, अंकल अगर 5 मिनट भी देर से आते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आप इन्हें पैसे दे रहे हो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो भी आप पैसे ही देखते रहते। इस देश में रोज हजारों रेप केस कोर्ट में आते रहते हैं, कुछ गुनहगारों को सजा मिलती है, लेकिन एक लड़की की खोई इज्जत एक जज वापस नहीं दे सकता। रो मत बेटी, तुम्हारे पापा को तो सिर्फ न्याय धर्म से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। अब कुछ समझ में आ रहा है मेरे, ये काम करके तुम दिखा रहे हो तुम अच्छे इंसान हो, तुमने मेरे परिवार का दिल जीत लिया है, लेकिन तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते, उसके लिए तुम्हें अपने गांव का इलेक्शन जीतना होगा, बिना किसी वायलेंस के, हाथ में तलवार लिए बिना, सिर्फ अच्छाई से, फिर मैं इस रिश्ते के बारे में सोचूंगा। किसी और की बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए, आप मेरे गांव आइए, फिर मुझे देखिए, मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ आप डिसाइड कीजिए। क्या हुआ जज साहब, आप मेरे गांव को देखकर हंस रहे हैं? नहीं, मैं आपको देख के हंस रहा हूँ। आपके घर जाने के लिए आपके साथ 5 गाड़ियाँ आगे 5 गाड़ियाँ पीछे चल रही हैं और 100 लोग सिक्योरिटी के लिए। ये सिक्योरिटी मेरे लिए नहीं, आपके लिए। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे फैसले सुनाए हैं, कुछ लोगों को न्याय मिला है, कुछ लोगों को नहीं। कोई भी किसी भी वजह से आपसे बदला ले सकता है, आप मेरे मेहमान हैं इस वक्त, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैं सोच रहा था उस नाई की शादी मैं करवाऊंगा और उस भूपति की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। भूपति इस शादी के लिए कैसा मान गया बे? क्या फर्क पड़ गया वो रोड पे बैठ के कटिंग करता है इससे? अगर किसी का थोबड़ा अच्छा हो तो कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाता है। थोबड़े के सिवा उस नाई के पास है क्या जो उसकी बहन उससे शादी कर रही है, ये बता। आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपके यहाँ बैठ के अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ? शहर में चले जाओ, सभी लोग एसी में बैठ के कटिंग करते हैं और कटिंग के 1000 रुपए भी लेते हैं। इतना ही नहीं, उनके पास कटिंग करवाने के लिए बड़े बड़े हीरो लोग आते हैं। लड़के का थोबड़ा भी अच्छा है, इनकम भी अच्छी है, अब दोनों की बस शादी हो रही है। ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं, आप ही ने तो कहा था कि आप उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, चाहे जितना भी खर्चा हो जाए आप भरेंगे, वो क्या झूठ था क्या? मुझे लगा वंशी की शादी इसी घर से होगी, इसलिए मैंने सिल्क की साड़ी खरीद ली। अच्छा, क्या तुमने 3 सफेद चादर और तकिए शादी के रात के लिए नहीं खरीदे? मैंने 3 जोड़े 3 रातों के लिए खरीदे। एक काम करो, उनको अपने घर बुला, उनके सामने मुजरा करो, धक धक करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा, सजना ऐसा कहोगी तब जाकर तुम्हारी खुजली मिटेगी। चल पागल कहीं की, अब यहाँ पर क्यों खड़ी है, चल अंदर जा। वो भूपति जो भी चाहता है वो उसे नहीं मिलना चाहिए। वो कैसा जीजा? जज को मार देंगे फिर शादी रुक जाएगी। अगर जज और पुलिस वालों को आप मारेंगे तो लोग आपको फैसिस्ट नहीं नक्सलाइट कहेंगे। एक फैसिस्ट 100 नक्सलाइट के बराबर होता है, देखना मैं उसे कैसे मारता हूँ। इस पर भी एक कहावत है, भौंकने वाला काटता नहीं। चुप कर, इस बार भौंकूंगा नहीं, काट लूंगा। आंटी जी, कब चलेंगे कांची? क्यों, अभी से तीरथ करना चाहती हो? नहीं, शादी के लिए अच्छी साड़ियाँ कांची में ही मिलती हैं। कांची नहीं, हम कला मंदिर जाएंगे, बेहतरीन साड़ियों का एक ही स्थान कला मंदिर, कुकटपल्ली, दिलखुश नगर, अमरपेट। इतना हिलो मत भाभी। ए, ये क्या, मुझ पे रोप जमा रही हो? मैं आपकी ननद हूँ ना भाभी, इतना हक तो मेरा बनता है ना। क्या बोला इसे? डैडी, इस लड़की को क्या बोला है तुमने? भाभी। इसका एक नाम भी है, क्या है वो? नंदिनी। करेक्ट, इसको इसी नाम से बुलाओ, भाभी इसको शादी के बाद बोलना। है, क्यों बुलाओ नाम से? भाभी भाभी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मेरी अच्छी भाभी। क्या बात है, आपने इतना खाना बनाया क्योंकि हम आए हैं? नहीं बेटा, रोज बनता है। तो सुबह शाम इतना खाते हैं? रोज इस घर में 30-40 लोग खाना खाते हैं। हमारे घर से कोई भूखा नहीं जाता। डैडी, खाना कैसा लगा? खाना तो अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा तीखा ज्यादा है। अच्छा, गाँव वाले तीखा भी ज्यादा खाते हैं, प्यार भी ज्यादा करते हैं। नंदिनी, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। मैं बाद में खा लूंगी आंटी। सब कुछ तो यहाँ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तुम बैठो। रहने दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बुरा मत मानिएगा,
नंदिनी का आज उपवास है। उपवास है? पर किस लिए? उसने 7 शुक्रवार का व्रत रखा है ताकि उसे वो मिल जाए जिससे वो प्यार करती है। वो शुक्रवार को पानी तक नहीं पीती। क्या है ये? मैं तुम्हारे लिए जूस लाया, इसे जल्दी से पी लो और अपना व्रत तोड़ो। मैं कोई भूख हड़ताल पे नहीं हूँ, उपवास है मेरा। भगवान से कुछ मांगना एक भूख हड़ताल ही हो गई ना। मैं भगवान से क्या मांगूंगी? अपनी पसंद के लड़के से शादी करना, ये भी तो मांगना हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो ये पियो। नहीं, आज मैं कुछ भी नहीं पी सकती। दिन बीत चुका है, 12 बज चुके हैं, अब तुम ये पी सकती हो। नहीं पीऊंगी, तुम पिला दो। आहा, क्या किस्मत है मेरी। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। वाह, क्या बात है बेटा, अपनी पत्नी से इतना प्यार। तेरे पापा के साथ मैंने कितनी बार झगड़ा किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे खाने के लिए नहीं पूछा। और तूने भी तो खाने का छोड़ एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। जब मैं एक बार फिसल गई थी ना, तो कहा बोन स्पेशलिस्ट के पास ले चलो, तो भैया ने कहा कि अमृतांजन लगा लो, मुझ पर थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाया। इसलिए तो कहते हैं बीवी आने के बाद सब पराए हो जाते हैं। हाँ, तुमने भी तो ऐसा किया। अच्छा जाने दो, यहाँ पर सब लोग नंदिनी का व्रत तुड़वाने के लिए कुछ न कुछ लेकर आए हैं, लेकिन कोई खिलाएगा नहीं। बेटा तुम किसी की बात मत सुनना, पिलाओ, जल्दी पिलाओ ना बेटा। जज साहब, ये पूरा का पूरा बाग आपके बेटे का बाग है। मेरे बेटे का बाग? उसने कब खरीदा ये? उसने नहीं खरीदा, मैं उसे ये दहेज में दे रहा हूँ। सेक्शन 498 के तहत दहेज लेना गुनाह है। तो आपको नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा, शादी का मुहूर्त? ये बाग से आप सीधा शादी पे पहुँच गए। अगर हम कुछ दिल से चाहते हैं वो होके ही रहता है। भाई भाई, वेंकट के आदमियों ने अपने घर पे हमला कर दिया भाई। ए, चलो रे, चलो चलो। तुम लोग जो कर रहे हो गलत है, सेक्शन 337 के अंतर्गत तुम लोग को अंदर डाल दूंगा। रुक जाओ भाई, तुम रुकने के लिए क्यों बोल रहे हो? एक एक को काट देंगे हम। हम इन्हें मार सकते हैं, पर मैंने जज साहब से वादा किया है। अरे क्या उन्होंने आपको बहुत मारा डैडी? यहाँ हर कोई किसी को बेवजह नहीं मारता है। तुम्हारे भाई के तो हर जगह दुश्मन है। सच है बेटा, जो धर्म की राह पे चलता है उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। अरे ठीक है बेटा, आपको उठने की जरूरत नहीं बेटा। हम आपके शहर में आए थे और आपके शहर में हम 5 दिन रुके थे। वहाँ हम लोगों ने देखा कि वहाँ आम लोगों के लिए हर गली में एक न एक मंदिर जरूर है। मैं ये तो नहीं जानती उन मंदिरों में भगवान उनके कष्ट दूर करता या नहीं, लेकिन इस छोटे से गाँव में अगर किसी को परेशानी होती है ना, तो वो हमारे दरवाजे पे आता है और उसकी परेशानी दूर हो जाती है। मैंने जिंदगी में आज तक ये नहीं देखा, लोगों की बातें सुननी पड़ रही है, उसे मार भी खानी पड़ रही है। मेरे पोते ने आज तक इतना नहीं सहा। बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया। वो तुमसे मुकाबला नहीं कर रहा है बेटा, वो अपनी बहन के लिए समझौता कर रहा है। आप यहाँ मेहमान हैं, हमारी वजह से आपको इतनी सारी चोटी लगी है, हमें माफ कर दो बेटा, माफ कर दो, मैं जा रही हूँ। वंशी, मुझे लगता है हमने कोई गलती की है। लेकिन किस चीज में? अगर उस दिन हमने मंदिर में शादी कर ली होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने प्यार पे भरोसा है। Thank you.
सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कल नॉमिनेशंस हैं, पता नहीं क्या होगा। जो किस्मत में है वही होगा, तुम जाके सो जाओ। नंदिनी चल चल मेरे साथ, मेरे साथ आओ, बताती हूँ अंदर तो चल। ये लो भाभी, ये सब क्या है? तुम कुछ मत पूछो, तुम्हारे प्यार को यहाँ न्याय कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पिताजी तुम लोगों की शादी नहीं होने देंगे बेटा, कहीं जाके शादी कर लो और खुशी से अपना घर बसाओ। अरे बात वो नहीं है, असल में मुझे पता है तुम नंदिनी का ख्याल हमसे ज्यादा रख सकते हो। माँ आप तो इन्हें समझाओ। तो कुछ मत बोल, हम दोनों यही चाहती हैं। लेकिन भाभी जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं खुद तुम्हें यहाँ बुला लूंगी, तुम लोग जाओ यहाँ से। ओके ओके ठीक है चलिए चलिए बैठिए। मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते हैं, जिंदगी में तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, पहला रास्ता सही होगा और जो दूसरा रास्ता होगा वो हमेशा गलत होगा। गलत रास्ता अपनी तरफ खींचता है, उसमें मुश्किलें कम होती हैं। पहले हमें लगता है हम जीत रहे हैं लेकिन आखिर में हम हार जाते हैं। सही रास्ता वैसा नहीं होता, पहले मुश्किलें सामने आती हैं, कदम कदम पर इम्तिहान होता है, बहुत दुख झेलने पड़ते हैं लेकिन आखिर में जीत हमारी होती है। इसकी दादी की एक ही ख्वाहिश है, वो इसकी शादी देखना चाहती है और उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों के दिल की इच्छा क्या है। अगर हम शादी करना चाहते तो मैं इसे किसी भी मंदिर में ले जाकर मंगलसूत्र पहना देता और दुनिया की नजरों में हम दोनों एक दूसरे के लिए पति पत्नी बन जाते, लेकिन दुनिया से ज्यादा हमें इन दो परिवार का आशीर्वाद जरूरी है। अब आप ही बताइए, क्या हमें भागकर शादी करनी चाहिए? हमेशा चाहती थी नंदिनी की शादी धूमधाम से हो, लेकिन मैं भी यही कहना चाह रही हूँ जो ये दोनों कह रही हैं। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, भले ही तुम लोग हमसे छोटे हो पर एकदम सही हो। जो भागता है वो कभी जीतता नहीं और जो जीतना चाहता है वो कभी भागता नहीं। मुझ पर विश्वास रखो, ये शादी सबके आशीर्वाद से ही होगी। बात वो नहीं है, मैं तुम दोनों पर पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन वो भूपति का बच्चा लड़ाई झगड़ा छोड़कर साधु बन गया है ये बात मैं नहीं मान सकता। हाँ जीजा, जज की शर्त है अगर भूपति ने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया तभी उन दोनों की शादी होगी। कूद जाइए, आप भी इस जंग में मर्द की तरह कूद जाइए। जीजा जी, यही हमारे लिए अच्छा मौका है। इससे अच्छा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, भूपति को कुछ भी करके हमें रोकना होगा और ये देखना होगा कि वो हमसे आगे न बढ़ पाए। मौका पाते ही अपने कुछ लोगों को उनके भीड़ में शामिल कर दो। सुनिए जी, क्या मैं भी वहाँ औरतों में शामिल हो जाऊँ? नहीं, आदमियों के साथ जाकर शामिल हो जाओ, डिस्को 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 करके नाचो। गधे की बच्ची, जान से मार दूंगा, चल अंदर जा। नॉमिनेशन के लिए लेट हो रहे हैं जीजा। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए। ए, चलो। माँ आपको पता है मेरा फैसला क्या है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए मां। आपको नॉमिनेशन के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तुम लोगों ने सुना नहीं, हथियार यहीं रख दो। यहां पे साइन करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स थैंक्स। अरे वाह, मैंने उससे पहले नॉमिनेशन के पेपर भर दिए, दिल को शांति मिली। ये कोई दौड़ थोड़ी हो रही है कि जो पहले नॉमिनेशन भरेगा वो जीतेगा, वो भी यहाँ नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए आ ही रहा। अरे वो नॉमिनेशन भर ही नहीं पाएगा। वो कैसे? अबे झंडू बाम, हमारे आदमी लोग उसका ढोल बजा देंगे। Yeah!
नंदिनी मुझे माफ कर। क्या वो पति खुद लड़ाई में कूद गया? आपने उसे मजबूर किया, अब झेलो। चुप कर। अब इनकी थकाई का नंबर है, निकल जाता हूँ मैं तो। अबे देख क्या रहे हो, मारो उसे। वंशी, सब रुक जाओ। वंशी, भविष्य बर्बाद मत करो, ये तुम्हारे लायक काम नहीं है। भूपति, मुझे मत मार, मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लेता हूँ।
तू मुझे मत मार प्लीज। जो किसी को मारता है उसमें मरने का भी दम होना चाहिए। क्या तेरे में हिम्मत है वेंकट रेड्डी? एक MLA बनने के लिए हमारे गांव में तू इतना खून खराबा कर सकता है? मंत्री बनने के लिए सब लोगों का दिल जीतना पड़ता है, खून नहीं बहाना पड़ता, समझा? तेरे और मेरे आदमियों ने अपने स्वार्थ में कितने लोगों का खून बहाया है। मैंने सोचा था मेरे लोगों की जिंदगी मेरी बहन की शादी से ज्यादा कीमती है, इसलिए तलवार उठाई। नॉमिनेशन फाइल करने में 5 मिनट हैं। लायर, नॉमिनेशन के पेपर दो। भूपति भाई, 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 भूपति भाई। जो भी हम जिंदगी में बोते हैं वही काटना पड़ता है। चलो हम दोनों मिलकर प्यार के बीज बोएं। ये लो, नफरत से बहने वाले खून की ये आखिरी बूंद होगी। ये लो, बिना इलेक्शन के तुझे MLA बनाता हूं। इतिहास में पहली बार इलेक्शन में तुम ऐसे अकेले MLA होगे जो एक मत से जीता। नहीं भाई, इसे MLA मत बनने दो। नहीं भाई, नहीं, 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 मैं आप सबके प्यार का आभारी हूँ। तानाशाही तभी होगी जब अपोजिशन होगा। अगर हम हाथ मिला लें तो तानाशाही मिट जाएगी। मेरी बात मानकर आप इस वेंकट रेड्डी को MLA बनाइए। वेंकट रेड्डी लोगों का भला चाहने वाला प्रतिनिधि बनेगा, लेकिन लोगों की दौलत नहीं लूटेगा। मैं इस आशा के साथ तुम्हें ये पद दे रहा हूँ कि तुम इनकी अच्छी सेवा करोगे। अगर तुमने आशाएं नहीं तोड़ी तो 5 साल क्या, तुम पूरी जिंदगी भर के लिए इस गांव के MLA रहोगे। और अगर धोखा दिया तो भाई, भूपति भाई, दूसरों का भला करो, फिर सभी के सभी लोग तुम्हें भाई बुलाएंगे। मैं भी वही चाहता हूं, फिर मैं भी तुम्हें भाई बुलाऊंगा, याद रखना। मैं हार गया, हार गया, मैं हार गया। जज साहब को दिया वादा टूट गया, और तुम दोनों का प्यार नहीं दिला पाया न्याय। तुम अपने पिता के साथ लौट जाओ और उनकी ही पसंद की लड़की से शादी कर लो। तुम्हें जिंदगी में किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो भूलना मत कि ये शुभचिंतक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बेटी नंदिनी, हाँ।
माफ माफ कर देना मेरा प्यार हार गया, मुझे दुख नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि आप नहीं हारे। मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपकी बहन हूँ। अभी तक मैंने फैसले गवाहों को सुनने के बाद दिए हैं, लेकिन आज पहली बार मैं अपना फैसला गवाह बन करके दूंगा। जब आप पहली बार हमारे घर आए थे तो मैंने आप में एक तानाशाह देखा था। तानाशाह मतलब जिसमें अहंकार और घमंड हो। लेकिन आपने लोगों की जान बचाई, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। इस गांव के लोगों के दिल सोने के हैं, वो आपको बहुत मानते हैं। मैंने कहा था कि इलेक्शन बिना हिंसा के जीत के दिखाइए, लेकिन भविष्य में होने वाले इलेक्शन में भी जो हिंसा होगी उसको भी आपने एकदम फुल स्टॉप लगा दिया। आपने तानाशाही हटाने का एक अच्छा हल निकाला। बहन के बारे में सोचने के बजाय आपने सबके बारे में सोचा और हम सबको जीत लिया। इसी को जीत कहते हैं, और यही मैं चाहता था। मुझे गर्व है कि मैं आपसे रिश्ता जोड़ रहा हूँ। जितना गर्व आपको हो रहा है उतना ही मुझे भी हो रहा है इन दोनों की शादी कराने में। अपने बुजुर्गों की बात मानकर शादी करने की इच्छा ने ही इनके इस प्रेम को जीत दिलाई है। ये हमारी जीत तो है ही नहीं, हमने प्यार पे भरोसा किया और आपने हम पे भरोसा किया। असल में हमने प्यार तो आपसे ही सीखा है। हमने एक कदम बढ़ाया तो आपने हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाए और हमारी लव स्टोरी को लवली स्टोरी बना दिया। शाबाश, तुमने साबित कर दिया कि अगर हम सच्चे दिल से कुछ चाहें तो हमें जरूर मिलता है। अब एक शुभ मुहूर्त वाला दिन तय करें।